So very good morning to all of you all. First of all, congratulations to every one of you all for clearing your CA foundation examination. Ek bar zordar taaliyan aap sab logo ke liye. And welcome to this new journey of CA intermediate. And I guarantee you all, foundation mein aapne jitna maza kiya hai उससे कई गुना ज्यादा आप लोग सीए इंटरमीडिएट में करने वाले हो. एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू बी रियली वंडरफुल. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के चेहरे को देखते हुए. काफी बच्चे जो है वो फेमिलियर भी नजर आ रहे हैं. एंड हाउ मेनी ऑफ यूल आर नॉट फ्रॉम पुणे? ओ माय गॉड, मेजॉरिटी ऑफ यूल आर, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यूल. तो एक बार तो मैं आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी सारी सैक्रिफाइसेस की है. सारा घर बार, आपका पूरा कंफर्ट जोन छोड़ के आप यहाँ पे आए हो आपकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए. तो पहला कदम सही, मतलब बाकी सब भी सही होने ही वाला है, है ना? चलो, सो लेट्स रॉक इन दिस जर्नी ऑफ सीए इंटर टुगेदर. आज मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक्ट जो है उसकी शुरुआत नहीं करने वाली हूं. फर्स्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लर्न what do you mean and what is a law, what do you mean by the word act, act banta kaise hai, ye sari cheezon ke bare mein hum log pehle seekhenge and then we will dive deep into this particular subject. But before starting, I would like to say a very good morning to all my virtual students also. Hello everyone, good morning. So right now my lecture is being played on our YouTube channel. Hello to every one of you all and also to those who are watching me on my application. Chalo, let's start. Ye jo mera subject hai, that is going to be paper number 2. Okay, to aapke group 1 mein 4 papers hote hai, ye pata hai aapko? Thoda bahut syllabus ke bare mein pata hai. 4 subjects hote hai aapke group 1 mein, jisme se mera jo paper hai that is going to be paper number 2. और इसी पेपर का जो नाम है आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा. क्या सब लोग एक साथ मेरे लिए प्लीज नाम को पढ़ोगे? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. तो सब्जेक्ट का जो नाम है दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये जो 3.5 महीने की जर्नी है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ पढ़ने वाले हैं या एक्ट पढ़ने वाले हैं? क्या लगता है आपको सब्जेक्ट के नाम के हिसाब से? कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, लॉ पढ़ने वाले या एक्ट पढ़ने वाले? लॉ या एक्ट? यस, सो द आंसर इज करेक्ट. जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी लॉ. बट मैम, ओ मैम, लॉ क्या एक्ट क्या, दोनों तो सेम ही होते हैं ना? नो, दे आर नॉट एट ऑल द सेम. इनफैक्ट लॉ जो होता है इट्स अ वेरी ब्रॉड वर्ड. एक्ट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रॉड वर्ड लॉ. तो लॉ में एक्ट होता है, लॉ में एक्ट होता है, बट एक्ट के साथ साथ रूल्स होते हैं, केस लॉज होते हैं, ऑर्डिनेंसेस होते हैं, बायलॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, ये सारी चीजें मिला के बनता है लॉ. हमें सारी चीजों को देखना होगा तब हम कह सकते हैं कि हां, कानून की दुनिया थोड़ी बहुत हम जानते हैं. सिर्फ एक्ट पढ़ने से आप कानून को नहीं समझ पाओगे. एक्ट के साथ साथ आपको बहुत दूसरी चीजें भी देखनी होती है. तो क्या मैम ये सारी चीजें क्लास में कवर होने वाली है? तो इस सवाल का जवाब है यस. So basically everything is going to be covered in class, whether it is the act, रूल्स, केस लॉज, अगर कोई ऑर्डिनेंस आता है तो ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, सब कुछ जो है हमारे क्लास में कवर होने वाला है. पहली बात तो ये जो सब्जेक्ट है उसका मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूं और उसके बाद धीरे धीरे करके हम शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे. देखो, हर एक पेपर 100 मार्क का होता है, हर एक पेपर, चाहे वो ग्रुप 1 के 4 पेपर्स है या चाहे वो ग्रुप 2 के 4 पेपर्स है. सो वैसे ही हमारा जो पेपर नंबर 2 है, ये पेपर नंबर 2 भी 100 मार्क्स का है. बट नाउ दिस 100 मार्क्स का पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स.
जैसे नाम में लिखा है, देखो ना यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें, पहली बात तो कॉर्पोरेट लॉ है और दूसरा हिस्सा जो है दैट इज अदर लॉज। पहला हिस्सा जो है वो कौन सा हिस्सा है, कॉर्पोरेट लॉ का, और दूसरा जो हिस्सा है दैट इज रिलेटिंग टू अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी से रिलेटेड जो सारे एक्ट्स होते हैं ना वो कवर किए जाते हैं, बट फॉर्चुनेटली फॉर यॉल आपको सिर्फ एक ही एक्ट है जो कॉर्पोरेट लॉ में कवर किया गया है, एक ही एक्ट है, दैट्स इट, नॉट मोर देन वन एक्ट इन कॉर्पोरेट लॉज। और इसी एक्ट का नाम जो है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013, एंड दिस कॉर्पोरेट लॉ विल बी फॉर 60 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, हाँ या ना बच्चों? तो इसी 100 मार्क के पेपर में से 60 मार्क्स जो है, 60 मार्क्स दैट इज डेडिकेटेड ओनली टू कॉर्पोरेट लॉ, और इसी कॉर्पोरेट लॉ में आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्ट पढ़नी है, और इसी एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। और ये जो कंपनीज एक्ट है उसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने हैं 148 सेक्शंस। मैम 148, सिर्फ 148, वो फाउंडेशन में 75 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पढ़ते पढ़ते दम निकल गया मैम, और आप कह रहे हो 148 और वो भी सिर्फ, जी हाँ वो 148 सिर्फ, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ 470 सेक्शंस, कितने 470 सेक्शंस आपको है कंपनीज एक्ट में, और अगर 470 सेक्शंस पूरे के पूरे है आपके कंपनीज एक्ट में तो उसके कंपैरिजन में 148 तो बस हल्का सा डोज ही है। इंस्टीट्यूट ने बस हल्का सा डोज आपको इंटर लेवल पे देने की कोशिश की है। इंस्टीट्यूट भी कहता है बेटा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी सारे प्रोविजंस जो है आपको कवर करवाए जाने वाले वहां पे, वहां पे मतलब कहां पर, सीए फाइनल में, हाँ या ना? सो फाइनल में 149 से लेकर 470 तक के बाकी के प्रोविजंस आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। तो दिस कंपनीज एक्ट इट कंप्राइजेस ऑफ 60 मार्क्स, एक लौता एक्ट कितने नंबर का है, 60 मार्क्स का है, सिर्फ एक ही एक्ट है कॉर्पोरेट लॉ में एंड दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। बट यहां पे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है, बाकी आपको 40 मार्क्स के लिए पढ़ाए जाने वाले हैं 4 एक्ट्स, कितने एक्ट्स, अदर लॉज में यू ऑल हैव 4 एक्ट्स। इंस्टीट्यूट ने इंडिविजुअली चारों सब्जेक्ट का वेटेज नहीं दिया है, जब आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल खोलोगे ना या इंस्टीट्यूट की आप वेबसाइट पे जाओगे, इंस्टीट्यूट ने बस इतना ही क्लासिफाई किया 60 मार्क्स इज कंपनीज एक्ट एंड 40 मार्क्स इज अदर लॉस। बट जितने 2018 में पहली बार ये वाला कोर्स नोटिफाई हुआ था, आज तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, ओके ऑन एन एवरेज मोटा मोटी 10 मार्क का सवाल हर एक अदर लॉज में से आता ही है। सो बेसिकली इंडिविजुअली ऑन एन एवरेज कभी 8 मार्क भी हो सकता है, कभी 12 भी हो सकता है, मैंने कहा है ऑन एन एवरेज लगभग क्या होता है 10 मार्क्स के सवाल जो होते हैं इंडिविजुअली हर एक एक्ट में से इंस्टीट्यूट पूछता ही है। देखो वैसे तो आपका पेपर 100 मार्क का होता है, बट विथ ऑप्शंस इट गोज अप टू 112 और 116, तो कभी कभार हो सकता है अदर लॉज में भी इंस्टीट्यूट ने 3 सवाल पूछ लिए है 4-4 मार्क के, तो 12 मार्क का भी सवाल आ सकता है कोई एक एक्ट से। तो इसीलिए मैंने कहा ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं 10 मार्क के लगभग हर एक एक्ट में से इंस्टीट्यूट सवाल पूछता ही है। इंस्टीट्यूट ने कुछ भी इंडिविजुअल एक्ट का वेटेज अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ इतना ही कहा है कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स अदर लॉज 40 मार्क्स। तो ये जो 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स, इसी 40 मार्क्स में आपको करने हैं 4 एक्ट्स, जिसमें से सबसे पहला एक्ट
आपका और मेरा फेवरेट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इसी में आपको याद है फाउंडेशन में मैंने आपको कहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा आपने यहां पे पढ़ा ही नहीं है, बाकी के सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाने वाले हैं सीए इंटर में. तो अब वो समय आ चुका है, आपने अपने आप को और इंस्टीट्यूट को ये प्रूफ कर दिया है कि आप इस काबिल हो कि आप बाकी के स्पेशल प्रोविजंस जो है वो पढ़ सकते हो. तो यही जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये आपको पढ़ाए जाने वाले हैं सीए इंटर में. सो द फर्स्ट अदर लॉज का एक्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है. फाउंडेशन के आपने 1 to 75 याद है कॉन्टिंजेंट एंड कॉस्टी कॉन्ट्रैक्ट्स तक आपने पढ़ा था. आपको 6 units थे, क्या तुम्हें याद है? तो 75 सेक्शंस आपका ऑलरेडी हो चुका है फाउंडेशन में, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीए इंटर जर्नी. वो इंस्टीट्यूट को लगता है आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, अच्छे से एग्जाम भी दे दिया है, और इतने कम 25% में से आप वो बच्चे हो जो क्लियर होते हो. तो मुझे तो लगता है आज डे वन पे ही मैंने ये इंप्रेशन बना लिया है भाई आप वो क्रीम क्राउड हो जो सच में बहुत होशियार है. मतलब बिलीव मी, यूजुअली 25% इज द पासिंग परसेंटेज फॉर सीए इंटर, बट इस बार सब उल्टा हो गया. सीए फाउंडेशन 25%, सीए इंटर सिर्फ 5.42%. सॉरी, एक्साइट हो गया वो भी नहीं बैच देख बोला मुझे भी बदल लो. तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो 5 to 6% इज यूजुअली द पासिंग परसेंटेज फॉर सीए फाइनल, विच वॉज द पासिंग परसेंट ऑफ बोथ द ग्रुप्स फॉर सीए इंटर. और सीए इंटर का बोथ ग्रुप्स का यूजुअल पासिंग परसेंटेज 25, विच वॉज द पासिंग परसेंटेज फॉर सीए फाउंडेशन. अगर आप वो 25% बच्चे में से हो, मतलब आप समझ लो यू आर रियली स्मार्ट, यू आर जीनियस, आप बहुत होशियार हो और आप में वो टैलेंट है. बट सिर्फ एक ही चीज है, अब हवा में नहीं उड़ना है. नहीं, जेन्युइनली क्यों भी आप समझ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगी मेरी भावनाएं क्या है. आप समझो, नाउ योर कॉम्पिटिशन इज नॉट विद दोज 100 kids, नाउ योर कॉम्पिटिशन इज विद दोज 25% kids जो बहुत होशियार है. सो फिल्टरिंग हैज ऑलरेडी बीन डन एट द फाउंडेशन लेवल. अब आप समझो, अब इट्स गोइंग टू बी रियली टफ, मतलब यू आर एक्चुअली गोइंग टू फील द हीट ऑफ द कॉम्पिटिशन. देखो आज पहले दिन है, वैसे मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, बट मैंने सोचा था पहले से आज हैप्पी हैप्पी मूड में रहोगे, बट समझने की कोशिश करो. आई फेल दैट वाइब आफ्टर कमिंग इन टू द क्लास दैट यू ऑल आर मैच्योर्ड किड्स, एंड दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू ऑल. अगर नहीं वो वाइब आती ना तो मैं ऐसे हैप्पी गो लक्की टाइप का वैसा लेक्चर लेती थी, हाँ मैं हाँ ना मैं ना, बट आंखों से समझ में आ जाता है दैट यू ऑल आर मैच्योर्ड इनफ एंड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और एक बड़ी दिक्कत की बात आप लोगों के लिए यह है कि आप लोगों का भले ही फाउंडेशन का अटेम्प्ट जून में था, बट आप लोगों का सीए इंटर जून में नहीं रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इन मे ओनली. यूजुअली स्टूडेंट गेट्स 9 months टू स्टडी फॉर सीए इंटर, बट दैट इज नॉट योर केस. फर्स्टली योर अटेम्प्ट वॉज डिलेड एंड योर रिजल्ट वॉज डिलेड, एंड दैट इज वाई योर टाइम इज मोर लिमिटेड. ओके, बट इफ यू प्लान इट रियली वेल, बिलीव मी इट इज अचीवेबल, इट इज अचीवेबल. ओके, यू आर स्मार्ट इनफ, यू आर जस्ट हैव टू प्लान योर कमिंग डेज प्रॉपरली एंड फॉलो द अचीवेबल टारगेट्स. यू ऑल कैन डू इट एंड आई नो यू ऑल विल डू इट, बट दिस ओनली हैज टू बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं कि आज चलो आ गए क्लास में, सुबह उठ गए, बस 6 बजे उठ गए, रेडी वेडी हो गए, ब्रेकफास्ट वेक्सफास्ट करके आ गए, फिर एक हफ्ता दो हफ्ता ऐसा चला, फिर उसके बाद अरे क्या ब्रेकफास्ट, छोड़ो पूजा मैम के क्लास के बाद ब्रेकफास्ट कर ले गए, फिर ब्रेकफास्ट स्किप होना चालू हो गया, फिर उसके बाद कुछ और एक दो हफ्ते निकले, अरे क्या हर रोज नहाना, ठंडी का मौसम है, हर अगले दिन जाइए. फिर द
धीरे धीरे करके ये एटीट्यूड आपका चेंज नहीं हो रहा है बस. अगर ये एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ ना और आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, बिलीव मी क्लियरिंग CA इंटर इज पॉसिबल बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन हैज ऑलरेडी बीन डन बाय द इंस्टीट्यूट एट द फाउंडेशन लेवल. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट टफ एट CA इंटर. बेसिकली वही गोल था इंस्टीट्यूट का कि वो फिल्टराइजेशन अर्ली स्टेजेस पे ही करना चाहता है. पहले अप्रोच कैसा रहता था इंस्टीट्यूट का, 30-30, 35-35% बच्चे फाउंडेशन क्लियर होते थे, 25% इंटर क्लियर होते थे, फिर 8-10% फाइनल क्लियर होते थे. और बच्चा ऑलरेडी, आप सोचो, फाउंडेशन क्लियर कर दिया, इंटर भी क्लियर कर लिया ठीक ठाक बच्चे ने, 3 साल की आर्टिकलशिप भी बंदे ने कर ली, अब फाइनल पे फाइनल, फाइनल पे फाइनल, फाइनल पे फाइनल. भाई रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, बट क्या आ रहा है? अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, और कुछ नहीं मिल रहा है. तो दैट इज रियली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. और वो भी कब, वो बच्चे की उम्र क्या है अभी, 23-24-25 साल का बच्चा हो रहा है और हाथ में लगा क्या है, बीकॉम की डिग्री. सब आप CA नहीं हो तो आप क्या हो ना, बीकॉम हो. सो दैट द इंस्टीट्यूट वॉन्टेड टू चेंज एंड प्रोबेबली दैट इज द रीजन वाई इंस्टीट्यूट ने इतने टफ रिजल्ट अर्ली स्टेज पे ही निकाल लिए है, ताकि अगर बच्चे को कोई दूसरा को स्विच भी करना है, एटलीस्ट टाइम इज इन हिज फेवर. आप सोचो जो बच्चे ने 4 साल जवानी कुर्बान कर दी, बच्चे ने यार 4 साल की क्या बात करूं, 4 साल जवानी की कुर्बान कर दी है उस बच्चे ने, और हाथ में लगा है बीकॉम की डिग्री, तो क्या बीत रही होगी उस बच्चे पे. समझ रहे हो आप लोग, आपकी आंखों से दिख रहा है. सो दैट द इंस्टीट्यूट, नहीं आपके साथ ऐसा नहीं होने दोगे मैं. मुझ पे भरोसा रखो, ठीक है. दिस आई विल नॉट लेट दिस हैपन, एटलीस्ट नॉट विथ यू ऑल. सो दैट इज व्हाई द इंस्टीट्यूट डिड दिस एंड वी रियली हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट एंड वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है ना. अभी मेहनत कर ली, बाद में तो मजे ही मजे है. अभी तो दिन है ना लाइफ बनाने के, फिर एक बार आपकी लाइफ सेट हो जाती है फिर क्या, मज्जा ही मज्जा, हाँ या ना. तो कर लो थोड़ी बहुत मेहनत, उसके बाद रियली लेट मी टेल यू द रिजल्ट विल बी वेरी फ्रूटफुल. मजा आ जाएगा फिर आप लोगों को, लाइफ एंजॉय करने में भी मजा आएगा, बिकॉज यू नो दैट यू अर्न दिस एंड यू हैव सैक्रिफाइज्ड अ लॉट फॉर दिस. आपको खुद को पता है कि फाउंडेशन में आपने कितना सैक्रिफाइस किया है और तब आप क्लियर हुए हो, क्योंकि देखो आप वो 25% बच्चों में जिन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, मतलब ऑब्वियसली बात है आपने उनसे अबव द रेस्ट कुछ एक्स्ट्रा किया है जिसके वजह से आप क्लियर हुए. सेम लॉजिक ऑल्सो अप्लाइज हियर. अगर से फॉर एग्जाम्पल आपके अटेम्प्ट में भी 10% रिजल्ट आता है, तो आपको भी ऐसा ही कुछ प्रिपेयर करना होगा जो बाकी के 100 जैसा नहीं है, बट वो 10% जितना है जिसके वजह से आप क्लियर कर पाते हो. सो यू रियली हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, बहुत सारी चीजें मैं आपको खुद क्लास में गाइड करूंगी. इफ यू आर फॉलोइंग दैट, आप समझ लो आधे से ज्यादा नैया तो पार है. अगर आप ज्यादा होशियारी बताओगे नहीं ठीक है, होमवर्क नहीं करेंगे, क्लास अटेंड नहीं करेंगे, बाद में बैकलॉग देख लेंगे, तो फिर यू विल हैव टू फेस द रिपल्केशंस. एवरीथिंग इज गोइंग टू कम बैक टू यू. इसको मैं कहती हूं इंस्टेंट कर्मा, इंस्टेंट कर्मा. पहले का जमाना गया जहां कर्मा हम बोलते थे, पुराने जमाने के अच्छे कर्मों के वजह से आज फल भुगत रहे हो. आजकल का जमाना है सुपर फास्ट, कंप्यूटर का जमाना है, इट्स लाइक इंस्टेंट कर्मा. आज नहीं अच्छा किया, इसी एटम में रिजल्ट दिख जाएगा, इंस्टेंट, सब कुछ इंस्टेंट है, क्लिक किया रिजल्ट आ गया. वैसी वो बात है. भगवान भी अगले जन्म तक हम नहीं रुक रहा है, आजकल इस जन्म में ही सब कुछ दे दे रहा है, अच्छा भी और बुरा भी. सो दैट्स गोइंग टू हैपन विथ यू ऑल एंड यू ऑल विल रियलाइज इट. सो इट्स बेटर इज्जत में रहो, सब कुछ फॉलो करो, बिलीव मी यू ऑल विल बी एबल टू क्रैक द अटेम्प्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड इस टाइम मैंने जो पैटर्न ड्राफ्ट किया है, दैट्स रियली अमेजिंग. ओके, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है ही, फॉरगेट इट. कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिविजन है, सब मैराथन्स है, वन डे बिफोर है, सब कुछ है, बट उसके अलावा इस बार का जो अप्रोच है पढ़ाई की तरफ, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि रियली यू ऑल विल एंजॉय दिस जर्नी. You all will really enjoy this journey. And test वेस्ट तो सब कुछ अरे सबको पता ही है, फाउंडेशन में आप लोग थे मेजोरिटी ऑफ यू ऑल विथ मी. आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक मच अबाउट इट, बट इस बार का जो लर्निंग प्रोसेस है, इट्स रियली अबव द एज. इतनी मेहनत की है, मतलब आप लोगों को पढ़ने में सच में ऐसा लगेगा सही है यार, बहुत सही है. ये ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच है,
और डे टू डे जब आप रीड करोगे ना, हाँ नायका का आईपीओ मैम ने ऐसे बताया था, हाँ सप्तम में ये कांड आया था जिसके वजह से अभी ये सब पेनाल्टीज और फाइन्स लगे हैं, तो यू ऑल विल इवन फील इंटरेस्टेड इन यू नो बीइंग इन्वॉल्व इन दीज डिस्कशंस, जो कभी हम सोचते थे ये लोग क्या बोल रहे हैं पता नहीं, हम भी कभी ऐसे करोड़ों की बातें करेंगे क्या, ऐसे ऐसे सोचते ना फाउंडेशन में तो सोचा कर रहे थे ऐसे कभी औकात भी होगी हमारी ऐसे करोड़ों की बातें करने की, ये सब होगा आप लोगों का, इतना मजा आएगा हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ एक डिफरेंट एलिमेंट आपको मिलेगा जिसके वजह से यू ऑल विल रियली इंजॉय दिस लर्निंग प्रोसेस. देखो तो यहां पे वापस से हम लोग आते हैं, यहां पे सबसे पहला जो आपका एक्ट था दैट वाज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें आपको सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं. सेकंड अदर लॉज में जो है दैट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, क्या होता है, उनकी पार्टीज क्या है, कब एनफोर्सेबल होते हैं, क्या ड्यू डेट होता है, अगर चेक डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, कितने दिनों में एक्शंस लेना होगा, कौन कलेक्टिंग बैंकर है, कौन पेइंग बैंकर है, ये सारी चीजें जो है एनआई एक्ट की आप पढ़ने वाले हो इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. देन यू हैव द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. दिस इज लाइक द लॉ ऑफ ऑल लॉस, ये बाप है, ये आपको बताता है कि कानून अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना कैसे है, कैसे कानून को इंटरप्रेट किया जाता है. देखो क्योंकि कानून की दुनिया में ना हर एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, हर एक शब्द, सेंटेंसेस तो छोड़ दो, एक एंड और लिखा है तो भी जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जब मैं एंड कहती हूं आई वॉन्ट एवरीथिंग टूगेदर, और जब मैं और कहती हूं और ये किया तो चलेगा, वो किया तो भी चलेगा, दोनों किया तो फिर तो क्या बात है, वैसी वो बात है. तो ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है वो बताता है कि इंटरप्रिट कैसे करते हैं प्रोविजंस को. ओके, अलोंग विद दैट वी हैव वन मोर स्टैट्यूट एंड दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. ये दोनों भी जो है ना अदर लॉज में, एक तो जीसी है जनरल क्लॉजेस एक्ट और दूसरा है आईओएस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये दोनों भी जो है अदर लॉज के एक्ट्स, ये वही बताते हैं कि कोई भी कानून अगर आपकी आंखों के सामने रखा गया है तो उसको इंटरप्रिट कैसे करना है. इन दोनों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, नो मैटर व्हाट कोई भी नया कानून आपके आंखों के सामने आने दो, आई एम 100% श्योर यू विल बी एबल टू इंटरप्रिट द प्रोविजंस. सो इसको समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों हमें सिखाते हैं कि कोई भी एक्ट को समझते कैसे है, उसको इंटरप्रिट कैसे करते हैं. समझ में आई या नहीं बात? तो ऐसे करके हमारा पूरा 100 मार्क्स का पेपर है. फॉर्चुनेटली फॉर यू ऑल योर अटेम्प्ट इज इन May 23. अभी तक तो नया कोर्स कुछ डिसाइड नहीं हुआ है और अभी तक कुछ इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताया नहीं गया है. सो फॉर्चुनेटली फॉर यू ऑल जब हम लॉ का पेपर देखते हैं, भले ही 100 मार्क्स का है बट इट इज ओनली 70 मार्क्स सब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स इज गोला गोला. ओके, एंड दैट टू विदाउट नेगेटिव मार्किंग. अभी तक आई डोंट नो बिफोर दैट अगर इंस्टीट्यूट ने और कुछ नोटिफाई कर दिया तो आई डोंट नो, बट अभी तक तो इट इज विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग. तो जय माता दी. ओके, तो 30 मार्क्स इज वेरी कंसिडरेबल अमाउंट. लेट मी टेल यू, आप लोगों ने फाउंडेशन का 100 मार्क का पेपर सब्जेक्टिव लिखा है, आपसे ज्यादा दर्द किसी और का नहीं है. तो आपसे क्या ही पूछना है, आप तो उस दर्द से गए हो. इकोनॉमिक्स और मैथ्स की तो बात ही और थी, वो तो गोला गोला ही था. अकाउंट्स भले ही सब्जेक्टिव था बट प्रैक्टिकल पेपर था. और लॉ में आप लोग जानते हो भाई, लॉ से लड़ाई बाद में थी, पहले इंग्लिश से ही थी. तो ये दर्द तो आप खुद जानते हो, आपके चेहरे सारे बयान कर रहे हैं क्या दर्द से आप गए हो. उसमें अगर बता दिया अरे 30 मार्क एमसीक्यू वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग, भाई इट्स लाइक अ गोल्ड माइन. सो इसको हमें एक्चुअली पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है टू स्कोर गुड इन द सब्जेक्ट. फाउंडेशन में मैंने ये कभी नहीं कहा था कि लॉ वो पेपर होगा जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे.
बट इंटर में मैं ये कह सकती हूँ डंके की चोट के साथ, बिकॉज आई नो 30 marks MCQ इज विदाउट नेगेटिव मार्किंग अ वेरी अचीवेबल नंबर. आई थिंक इफ यू ऑल आर सो स्मार्ट गेटिंग अबव 20 इज लाइक रियली वेरी इजी. अबव 20 वो भी मैंने कहा, 25 भी नहीं, ऐसा भी नहीं मैंने सोचा कि आप रैंकर मटीरियल या टाइप हो. 20 अबव 20 इज लाइक एनी स्टूडेंट हु वाज क्लियर इन दिस 25% क्राउड इज गोइंग टू गेट 20 out of 30 इन MCQ गोला गोला. ठीक है, सही गोला तो लग ही जाएगा. ठीक है, और बाकी के जो 70 marks है विच इज इन राइटिंग, सी आप खुद कैलकुलेशन लगा दो, 70 में से आप 40 नंबर तो लाओगे, तो 40 और 20 मतलब 60, मतलब यू शुड नॉट इवन थिंक ऑफ गेटिंग लेस देन 60 marks. 60 से कम का अगर आपने सोचा तो पाप है, पाप पाप कर रहे हो आप, पाप. आपको सोचना भी नहीं है 60 से कम. And of course, yes, if you're planning for a rank or something like that, so you have to think about getting 70 plus or even 80 plus is possible in this subject. It's possible. वो हो सकता है. ठंडी लग रही है क्या? इनसे बात करना, ठीक है? मेरे पास रिमोट नहीं है. वहां पे ही कहीं रिमोट होगा एसी का, है? अभी तो मोबाइल पे रहता है. तुम लोग जनरेशन जेड हो यार, तुम लोग मुझसे ज्यादा जानते हो. जेन जी है क्या? दे दो भाई इसको. ओके, सो सी मैम, आप 60-40 बोल रहे हो, फिर 70-30 बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्लास में? कुछ समझ में आया क्या? 60-40 इज द वेटेज फॉर द एक्स. 60 इज फॉर कंपनीज एक्ट 2013 एंड 40 इज फॉर अदर लॉज. और आपका पेपर का जो पैटर्न है, वो पेपर का पैटर्न दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, जिसमें 70 और 30 है. तो 30 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना गोला गोला, उसमें कुछ कंपनीज एक्ट भी आएगा, कुछ NI एक्ट भी आएगा, कुछ GCA भी आएगा, कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आएगा, कुछ इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट भी आएगा, कुछ भी आ सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि इनका भी वेटेज उसी के हिसाब से आएगा. सिर्फ इन टोटैलिटी में हमने कहा हुआ है कि इन टोटैलिटी कंपनीज एक्ट के हम 60 मार्क्स के सवाल पूछेंगे. आउट ऑफ दैट 100 मार्क्स का कंपलसरी. हो सकता है इंस्टीट्यूट ने 50 मार्क सब्जेक्टिव पूछ लिया और 10 मार्क्स के MCQs पूछ लिए. उल्टा भी हो सकता है, 55 मार्क का सब्जेक्टिव पूछा है, सिर्फ 5 ही MCQs उसने कंपनीज एक्ट के पूछे, बाकी 25 मार्क के MCQs उसने 4 अदर लॉस के पूछ लिए. वो कुछ भी हो सकता है. और इंस्टीट्यूट MCQs निकालती भी नहीं है, मतलब आपको जो पेपर मिलेगा ना, दैट विल ओनली बी सेक्शन ए पार्ट 1 विच इज द सब्जेक्टिव पार्ट. MCQ का पार्ट इंस्टीट्यूट उधर ही लेती है फ्रॉम द किड्स. ओके, जैसे आपका फाउंडेशन में हुआ था यार, ऐसे मत देखो जैसे कि मैंने कुछ चाइनीज में बोला है. ठीक है, तो बेसिकली एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द MCQs. उसका कुछ भी पैटर्न इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा है. एक ही चीज बस इंस्टीट्यूट ने कही है, 60 हम लोग मार्क्स पूछेंगे कंपनीज एक्ट के, वो हम पे छोड़ दो, आप कितना हमको MCQ पूछना और कितना सब्जेक्टिव पूछना, और बाकी का 40 मार्क इज अदर लॉस, जिसमें से कुछ कंपोनेंट सब्जेक्टिव होगा और कुछ कंपोनेंट होगा ऑब्जेक्टिव द MCQ पार्ट. यस और नो गाइस? सो दिस इज हाउ द सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. सबसे पहले ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विथ द कंपनीज एक्ट 2013. एक काम करते हो क्या, ये लिख लो ना, आप सभी के पास अपनी एक लॉ की नोटबुक है, सो यू ऑल हैव टू मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. ये मुझे शायद कहना नहीं चाहिए, बट फॉर एवरी सब्जेक्ट यू ऑल नीड अ सेपरेट नोटबुक. ओके, वन नोटबुक आई विल रिक्वायर फॉर लॉ. देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. फाउंडेशन से डबल राइटिंग प्रैक्टिस इंटर में होने वाली है और होमवर्क भी डबल होने वाला है. फाउंडेशन में यूजुअली मैं बहुत कम होमवर्क देती थी, बट इंटर में दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ऑब्वियसली जब आप फोर्थ से फिफ्थ में जाते हो,
आप ये एक्सपेक्टेशन से तो नहीं जाते होगे कि पढ़ाई कम होगी, ऐसा कभी उम्मीद किया ना आपने जब आप फोर्थ से फिफ्थ में गए थे कि अभी बस बस प्राइमरी स्कूल पास कर दिया, अभी सेकेंडरी स्कूल में आ गया, कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा उम्मीद किया ना आपने? हाँ, तो ऐसी उम्मीद यहां पे भी मत रखना. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक. होमवर्क होगा और मैं आपको बोल रही हूं कल परसों में ही मैं मॉनिटर्स अपॉइंट करने वाली हूं हु आर गोइंग टू चेक द होमवर्क. मॉनिटर्स का होमवर्क मैं चेक करूंगी, ठीक है? एंड दीज मॉनिटर्स विल बी चेकिंग योर होमवर्क. एंड इफ यू ऑल आर नॉट डूइंग द होमवर्क, यू ऑल आर गोइंग टू बी पनिश्ड. आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ओके? तो आप लोग क्या करो, बुक के पहले पेज पे, सुनो ना, एक मिनट, लिखना चालू भी कर दिया क्या? अरे रुको ना यार, थोड़ी इज्जत दो. सुनो, पहले पेज पे तो आप आपका नाम लिख लो, सब्जेक्ट का नाम लिख लो, ठीक है? आपका फर्स्ट और सेकंड पेज जो है ना, एक नोटबुक बताते हो क्या, उसको ना ब्लैंक रखो, क्योंकि वहां पे मैं बताने वाली हूं आंसर का पैटर्न कैसे लिखना है. सो बेसिकली दिस इज द इंडेक्स, ओके? यू आर राइटिंग योर नेम, सब्जेक्ट नेम एंड माय नेम. माय नेम इज, नाम तो सुना ही होगा. ये फर्स्ट पेज जो है आपको ब्लैंक रखना है. यहां पे आई एम गोइंग टू मेक यू ऑल राइट हाउ टू राइट द लॉ का आंसर. तो ये मैं आज नहीं बताने वाली हूं, मे बी नेक्स्ट वीक बताओगे. सो दैट इज व्हाई आई वांट यू टू कीप दैट पेज ब्लैंक. सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिकली द थर्ड पेज, बेसिकली पेज नंबर 3, क्योंकि आपने पेज नंबर 1 ब्लैंक रखा है, पेज नंबर 2 ब्लैंक रखा है, और ये पेज 3 पे अब आप ये सब्जेक्ट का नाम और उसका कंटेंट लिख रहे हो. प्लीज गिव पेज नंबर टू योर नोटबुक्स ऑल्सो, बिकॉज वेन वी विल बी राइटिंग द आंसर्स ना, जब मैं कुछ आंसर्स क्लास में डिस्कस करने वाली हूं और डिक्टेट भी करने वाली हूं, तो क्रॉस रेफरेंस होना जरूरी है. मतलब क्वेश्चन बैंक में लिखा होना चाहिए नोटबुक के कौन से पेज पे आंसर लिखा है, और नोटबुक में जब आप आंसर लिख रहे हो आपको लिखना चाहिए कि ये क्वेश्चन बैंक का ये आंसर है और उसका क्वेश्चन ये पेज पे है. उसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस. क्या कहते हैं? क्रॉस रेफरेंस. सो बेसिकली पेज 3 से आपका ये राइटिंग शुरू होने वाला है. लिख लो, ये 1 मिनट का समय मैं दे रही हूं, फिर आगे बढ़ते हैं. वर्चुअल स्टूडेंट्स, आपको भी लिखना है. डन? जल्दी जल्दी लिखो, और हैंडराइटिंग प्लीज रीजनेबली गुड रखना. नहीं लाई दूसरी बुक? क्यों, क्या ऐसे कर रहे हो तुम लोग? लॉ का पेपर भी 100 मार्क्स का है, उसको उतनी इज्जत देनी है? गुड राइटिंग. डन? कंपनीज एक्ट की हल्की सी झलक आप लोगों ने फाउंडेशन में देखी थी, बट दैट इज नॉट इवन 1%, लेट मी टेल यू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर. आपने फाउंडेशन में सिर्फ बेसिक देखा था, कंपनी क्या होती है, मेंबर्स कौन, डायरेक्टर्स कौन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट, पब्लिक, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स,
टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल और बस इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, बस वही एक एक्चुअल सेक्शन था जो आपने पढ़ा था, इनकॉर्पोरेशन. सो दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन सीए इंटर. सबसे पहले तो सवाल आता है कि क्यों क्यों मैम क्यों कंपनीज एक्ट क्यों पढ़ना है हमें यार, क्यों आया ये कंपनीज एक्ट 2013 इस जिंदगी में. देखो नहीं उस सेंस में मैंने नहीं कहा था, अच्छे वे में मैंने कहा था दैट व्हाई द लॉ मेकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड द कंपनीज एक्ट 2013. देखो इसके पहले एक दूसरा एक्ट हुआ करता था 1956, कंपनीज एक्ट 1956 विच वॉज अ वेरी ओल्ड एक्ट. 1956 मतलब कब के जमाने की बात हम कर रहे हैं. बट जब 1956 में लॉ मेकर ने कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए थे, तब के जमाने के लोग और आज के जमाने के लोगों में बहुत फर्क है. मतलब आज के जमाने के लोग सारे के सारे ऐसा लगता है चोरी है बस मतलब मेंटालिटी वैसी है. और इतने सारे कांड हुए कंपनी से रिलेटेड कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है कंपनीज में वो कम होने लग गया. देखो एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस होता है ना, जैसे एक जमाना था कुछ समय पहले का, 10 साल पहले, कुछ भी एडवर्टीजमेंट आती थी टीवी पे, कुछ भी. मतलब फेयर एंड लवली से शुरुआत हुई थी, उसके बाद फेयर एंड लवली को तोड़ देने के लिए सीएफएल बल्ब की एड आई थी. देखी आप लोगों ने वो एड? वो सीएफ नहीं देखी आप लोगों ने? एक मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ. ये एड आप देखोगे ना, एड मतलब आप बोलोगे कुछ नहीं हो सकता है यार, कुछ नहीं हो सकता है. आपको लगेगा फेयर एंड लवली तो भी ठीक था, ये कहां से आपने ला लिया? ये एड अभी भी आती है ऑन द टेलीविजन. टीवी शायद आप देखते नहीं होगे क्योंकि आप वो सिंसियर बच्चों में, मैं आपको बताती हूँ रुको या पता नहीं अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम नेटफ्लिक्स से फुर्सत नहीं मिल रही है. ये सीएफएल बल्ब की आप एड देखो, यू विल अंडरस्टैंड ये जमाना ऐसा था. आवाज कैसे आएगी बसपा? कॉर्ड लगा हुआ है. ओ माय गॉड टूट गया वो, और वो अंदर टूट गया है. ऐसे ही प्ले करती हूं मैं ये सीएफएल बल्ब की आड़े. देखो इटे कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आवाज आ रही है कुछ पर माँ मेरी त्वचा. वो एड में बोल रहे हैं कि बेटे कल तुम्हें लड़के देखने लड़के वाले देखने आने वाले हैं. बेटे कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं पर माँ मेरी त्वचा. अभी देखो तुम दीदी इंस्टेंट पैनल चाहिए तो ये लो. साधारण क्रीम असर दिखाई 5 दिनों में, पर बजाज सीएफएल से पाइए बस 1 सेकंड में उजला. बजाज सीएफएल सब कुछ रोशन कर दे. मतलब एक जमाना था कुछ भी एड्स टीवी पे प्ले हो रही थी, कुछ भी.
कोई कंट्रोल ही नहीं, कोई रेगुलेशन ही नहीं जो ये सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है. मतलब जिसको जो मन में आ रहा है, मतलब इस एड को देखने के बाद सच में लगा था फेयर एंड लवली वाले तो भी ठीक है. कम से कम 7 दिन तो कह रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंट फेयरनेस. वैसे ही ये कुछ एक दौर था जहां पे हो क्या रहा था, बहुत सारे कांड कंपनीज में हमने देखे. और कंपनी में होता क्या, अब देखो आपने फाउंडेशन में बेसिक तो देखा है, पब्लिक का होता है पैसा. और ये जो पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करता है ना, दे डोंट इवन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन टू द डे टू डे मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ द डायरेक्टर्स, वेर एज अ शेयर होल्डर बिकम्स अ शेयर होल्डर बाय इन्वेस्टिंग मनी. मतलब पैसा किसी का और कांड कोई और कर रहा है. डायरेक्टर्स तो वैसे भी मजे में, क्योंकि वो तो अपना रेम्यूनरेशन निकाल रहे हैं और 9-11 हो जा रहे हैं. पैसा डूब रहा है तो डायरेक्टर्स का नहीं, आम जनता का, आपके और मेरे जैसे लोगों का जिन्होंने दिन रात एक करके पैसे कमाए हैं. हमारा पैसा डूब रहा है, उनका क्या जा रहा है? हाँ है ना. तो अब ऐसे केस में पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस था इन द कंपनीज, इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन. डिक्लाइन मतलब कम होने लग गया. एंड नाउ गवर्नमेंट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अ गुड साइन. क्योंकि फाइनली देखो, आप अगर FD में इन्वेस्ट करते हो, एक लिमिटेड रिटर्न मिलता है. इनफैक्ट FD में तो आज के जमाने में कितना, 5-6%, 30% टैक्स दे के जो आता है, दैट डज नॉट इवन कॉम्पेंसेट द इन्फ्लेशन का रेट. तो पैसा उतना ही है, कुछ बढ़ नहीं रहा है. गोल्ड का कुछ भरोसा नहीं, चांदी का भी कुछ भरोसा नहीं. अभी इतना नीचे आ गया चांदी, कुछ महीने पहले इतना ऊपर था. कभी यूक्रेन का रशिया का वॉर हुआ तो गोल्ड ऊपर, तो कभी एकदम से ही नीचे. नथिंग वॉज स्टेबल इन द इकोनॉमी. एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, फाइनली ये सब के बाद इंसान सोचता है कि अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें शेयर्स में करना चाहिए. और ये कंपनीज करके बैठे इतने सारे कांड, तो लोगों का कॉन्फिडेंस ही डिक्लाइन होते जा रहा. और उन लोगों को लग रहा है, मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है, दैट दिस डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड. वी हैव टू रीगेन, मतलब हम वापस पाना चाहते हैं ये डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस को. जिसका सबसे पहला कदम जो था वो था 1956 एक्ट को स्क्रैप कर देना और उसके बदले में एक नए एक्ट को इंट्रोड्यूस करना, जिसके वजह से आया हमारा कंपनीज एक्ट 2013, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टर था एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस एक्ट. मतलब इस एक्ट को तो बनाया ही इसी इंटेंशन से गया है कि हमने यही सोचा है आज के जमाने के लोग ही चोर. आप लोगों ने तो खुद ने सेक्शन 7 देखा है. सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, आपको डिक्लेरेशन देना होता है, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, कि आप चोर नहीं हो, आपने चोरी नहीं की है. यू आर नॉट इन्वॉल्व इन टू द फ्रॉड ऑफ एनी मैनेजमेंट फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ एनी कंपनी इन द पास्ट 5 ईयर्स. मतलब अगर आप ये डिक्लेरेशन दे पाते हो कि आप चोर नहीं हो, तभी आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते. तो ये मेंटालिटी को शिफ्ट करना जरूरी था, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही थी. एंड दे वर नॉट कीपिंग अप विद द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज. और पब्लिक के साथ कुछ गलत हुआ, ये गवर्नमेंट बेयर नहीं कर सकती है. ओके, पब्लिक का कॉन्फिडेंस लूज होना इज अ नेगेटिव साइन. एंड दैट इज वाई वी इंट्रोड्यूस्ड द न्यू एक्ट. और सबसे बड़ा इसमें जो एक कंपनी ने रोल निभाया है, दैट इज सत्यम स्कैंडल. डू यू नो अबाउट द सत्यम स्कैंडल? कि लिटिल एक काम करती हूँ, मैं एक वीडियो बताती हूँ आपको, प्लीज लिसन. ये वीडियो जो है मैं बाद में आपको बताने वाली हूँ इन यूनिट नंबर 3 ऑल्सो, क्लास सूट्स. कंपनीज एक्ट में आपको 10, जैसे आपको फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6 यूनिट्स थे, वैसे कंपनीज एक्ट में आपको 10 चैप्टर्स है. उसमें से जो आपका तीसरा वाला चैप्टर है ना, उसमें एक सेक्शन है क्लास सूट्स, के कांड एक कंपनी ने किया बट अफेक्ट हजारों क्या लाखों लोग हुए. आप सोचो, मेरे पास 10 शेयर्स है, आपके पास 20 शेयर्स है, इसके पास 100 शेयर्स है, उसके पास तो एक ही शेयर है सत्यम का. आप सोचो, अब भले ही मेरे पास 10 शेयर्स है, मेरे को नुकसान ऐसे ज्यादा अमाउंट का नहीं हुआ है, क्योंकि लॉयर के फीस ही 5,000 लग जाए. तो मैं सोचूं कहां मैं ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ू,
उतना पैसा मैं अपना दिमाग और समय किसी और में लगा दूंगी और पैसे आ जाएंगे, एज कम्पेयर टू सत्यम के अगेंस्ट केस फाइल करना. बट आप सोचो ऐसे करके छोटे 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 हजारों क्या लाखों इन्वेस्टर्स है जिनका नुकसान हुआ है, और उसमें से तो इतने हजारों लोग हैं जिनके पास पावर भी नहीं है सत्यम के अगेंस्ट केस फाइल करने का. बट दुखी सब लोग हैं, बट पैसा और समय सभी के पास है नहीं. तो इसीलिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था कंपनीज एक्ट में, क्लास शूट. एक कंपनी के कांड की वजह से अगर हजारों लाखों लोग दुखी हुए हैं, अग्रीव्ड हुए हैं, इवन वन पर्सन कैन फाइल अ केस बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल ऑफ देम. क्लास सूट्स उसको कहते हैं. वहां पे मैं वापस से सत्यम के केस को रिफर करूंगी, बट पहले आप ये तो देख लो कि क्यों जब 1956 की एक्ट थी फिर भी हमने 2013 की एक्ट को लाया है. बिकॉज ऑफ दिस ऑल दीज कांड्स दैट दीज कंपनीज हैव डन, द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक हैज स्टार्टेड टू डिक्लाइन, एंड इन ऑर्डर टू रीगेन इट वी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एक्ट. सी बहुत सारे हम लोग स्कैम्स देखने वाले, सहारा का भी स्कैम देखने वाले हैं. ओके, सो दिस विल हैपन स्लोली एंड ग्रेजुअली. नमस्कार, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे. 1987 में वी रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी. सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले वी रामालिंगा राजू का कॉटन मिल का बिजनेस था. 1991-92 में सत्यम कंप्यूटर BSE पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई. सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी, और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और वी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे. सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थी, पर रियल एस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा. अभी तक जो हुआ है वो समझ में आया है क्या आपको? देयर वाज अ कंपनी व्हिच वाज अ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी व्हिच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन हैदराबाद, और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया. मेटस इंफ्रा जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा. राजू बहुत ही अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज खरीदने लगा. जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा, यानी उनमें हेराफेरी करने लगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था, और ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है. तो विंडो ड्रेसिंग आप अगर देखोगे, एक्चुअल प्रॉफिट वाज ओनली 60 करोड़, बट ही वाज शोइंग बोगस सेल्स. मतलब एक्चुअल में सेल्स हुआ नहीं है, बट बुक में बताया है कि सेल हुआ है. तो सेल ज्यादा हुआ है मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है मतलब उतना ज्यादा कैश जनरेट किया है कंपनी ने. बट रियलिटी में क्या कंपनी ने इतना कैश जनरेट किया है? नहीं. 60 करोड़ रियलिटी का और 600 करोड़ आप फेक बता रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट आप समझो 540 करोड़ इज बोगस सेल्स, जो रियलिटी में कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं. और ऐसे करके ऑब्वियसली उसने ग्रोथ इतनी ज्यादा बता दी जो रियलिटी में कभी हुई नहीं थी. सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी. उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई बी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे, और अपने बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन लेने लगे, और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे. प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राजू ने करीब 365 कंपनीज खोली थी. राजू अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इनके नाम पर जमीन खरीदता था. उनके फार्म में काम करने वाले लोग जिनकी तनखा 4,000 से 5,000 रुपए थी, उन्हें भी राजू ने उन 365 में से कुछ कंपनीज का डायरेक्टर बनाकर उनके नाम पर जमीन खरीदी, और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी उन कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया. अभी तो कुछ नहीं, आगे देखो. मेट्रो मैन श्रीधरन का कहना था कि राजू के पास हैदराबाद के प्रपोज्ड मेट्रो रूट की इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, यानी पहले से ही राजू को उस मेट्रो लाइन का रूट पता था. राजू अग्रेसिवली उस प्रपोज्ड मेट्रो ट्रैक के नजदीक की जमीनें खरीदने लगा, ये सोचकर कि जब मेट्रो लाइन बन जाएगी तब उस जगह के रेट्स कई गुना बढ़ जाएंगे, और रियल एस्टेट से जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ पैसे सत्यम में डालकर राजू ने दिखाए झूठे फाइनेंशियल फिगर्स जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट एटसेट्रा,
और सत्यम के एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट के गैप को आसानी से भर दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेटिस के नाम से जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मेट्रो लाइन बनने के बाद वो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे और उसमें से जो भी मैं कैश क्रिएट करूंगा ना वो मैं रूट कर लूंगा इन सत्यम, तो मेरा एक्चुअल और फेक का जो गैप है वो मैं कम कर दूंगा और धीरे धीरे आई विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। बट सब कुछ ऐसा मैनेज नहीं होता है, जितना आसान कहने के लिए लगता है इतना रियलिटी में नहीं होता है। सत्यम कंप्यूटर का ज्यादा सेल्स दिखाने के लिए राजू फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाने लगा। राजू ने 7500 फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाई थी। फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाकर सेल्स हो गया ये तो दिखा दिया, बट वेयर इज द प्रॉफिट? उस फेक सेल से मिला हुआ प्रॉफिट कहाँ है? तो उसके लिए राजू ने झूठे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाकर फेक सेल से मिला हुआ पैसा बैंक में है ऐसा दिखा दिया, यानी बहुत सारा ऐसा कैश रिजर्व दिखाया जो एक्चुअल में था ही नहीं। सो बेसिकली सेल्स ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा मतलब आपने उतना एक्स्ट्रा कैश इस साल बनाया है, जनरेट किया है। तो अब आप खुद बताओ, आप अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो, आपने सेल्स ज्यादा बताया तो उतना कैश बनाया, तो यहां पे भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना प्रॉफिट, मतलब रिजर्व्स अगर आपका बढ़ा है तो आपका कैश या बैंक बैलेंस भी तो बढ़ना चाहिए ना। बट अब बुक एंट्री से मैंने ये तो बता दिया प्रॉफिट क्रिएट हुआ है, बट बैंक बैलेंस तो इज द एक्चुअल बैंक बैलेंस, तो दोनों तो टैली हो नहीं रहा है। तो करना क्या शुरू कर दिया, फेक FDs बताना चालू कर दिया, फिक्स डिपॉजिट्स, कि कैश जनरेट हुआ और हमने FD बना ली और अब वो FD की तरह बैंक में पड़ा हुआ है पैसा। तो ऐसे करके अब एक झूठ को कवर करने के लिए जैसे कहते हैं ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वही सिलसिला इस कंपनी का शुरू हो गया। कई सालों तक राजू इसी तरह लगातार सेल्स, प्रॉफिट्स और बाकी फिगर्स को बढ़ाकर दिखाता रहा। कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखाकर राजू इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओर अट्रैक्ट करता रहा, जिससे सत्यम कंप्यूटर की शेयर प्राइस बढ़ती चली गई और सत्यम के प्रमोटर्स लगातार ऊंची प्राइसेस पर अपने शेयर्स बेचते रहे। पैसे पब्लिक से लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे। कांड के बारे में प्रमोटर और उसके ग्रुप को बताया और वो हाई शेयर प्राइसेस पे अपने शेयर्स जो है वो बेचते जा रहे, बेचते जा रहे, बेचते जा रहे, मतलब खुद का प्रॉफिट कमा ले रहे एट द लॉस ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। मतलब क्या पब्लिक के ट्रस्ट के साथ ही खेल रहे थे रामलिंगा राजू? 1999 में सत्यम में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 24% थी, वहां से वो कम होते होते 2008 की एंडिंग तक सिर्फ 2% तक आ गई थी। कहां 24% प्रमोटर और ग्रुप की होल्डिंग थी और धीरे 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 करके 8-9 सालों में उन्होंने अपनी होल्डिंग बस 2% पे ला ली। आप खुद सोचो, सपोज मैंने SBC प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया है, अरे मैं और सर वुड बी द टू पीपल हु आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन द कंपनी दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि अगर सर को और मुझे हमारी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पर भरोसा नहीं होगा तो किसको होगा? आप सोचो, कल जाके आप CA बन जाते हो और आप बिजनेस करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, कितने कितने लोगों में फैमिली में बिजनेस किया जा रहा है थ्रू अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई है कंपनी के रूप में कर रहे हैं? आप बताओ मुझे, अब कंपनी के रूप में आपके मम्मी पापा दादा दादी जो भी है अगर बिजनेस कर रहे हैं वो तो यही चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक उनका रहे, वही चाहेंगे ना। क्यों वो चाहेंगे? अरे बिकॉज दिस शोज कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस दैट यू हैव स्टार्टेड। अगर खुद मेरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में मैं 2% रखूंगी, आप बताओ मुझे इज इट गिविंग अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वाइब? अरे मैं तो चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक मेरे पास रहे, क्योंकि मुझे पता है मेरी काबिलियत क्या है और मैं कंपनी को कहां से कहां पर लेके जाऊंगी। ये लोग क्या करते जा रहे, अपने शेयर्स बेचते जा रहे, बेचते जा रहे, बेचते जा रहे और 24% से 24% से दे गॉट इट डाउन टू ओनली 2%, और उन पैसों का उपयोग उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए किया। जैसे जैसे सत्यम का ऑपरेशन बढ़ता चला गया वैसे वैसे एक्चुअल फिगर्स और राजू ने दिखाई झूठी फिगर्स के बीच का फासला बढ़ता गया और वो फासला एक बड़ी अमाउंट बन गया। 2008 में आए रिसेशन के कारण रियल इस्टेट मार्केट में बहुत स्लो डाउन यानी मंदी आई और अच्छे प्राइस पर प्रॉपर्टीज बेचकर एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स का गैप फिल करने का राजू का प्लान फेल हो गया। उसके बाद गैप फिल करने के लिए राजू ने नया प्लान बनाया। इस प्लान के अनुसार सत्यम कंप्यूटर मेटस इंफ्रा के 51% स्टेक्स और मेटस प्रॉपर्टीज के 100% स्टेक्स खरीदने वाली थी और राजू ने कहा था कि ये पैसा मेटस के प्रमोटर्स को जाएगा।
मेटस इंफ्रा और मेटस प्रॉपर्टीज ये दोनों भी राजू फैमिली के ही बिजनेसेस थे। सत्यम को उल्टा पढ़ोगे तो मेटस बन जाता है। अरे हाँ सत्यम, और यू नो सत्यम हैज कम फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स द ट्रूथ, सत्य। और इस कंपनी में सब कुछ हो रहा था सत्य के अलावा, सब कुछ फेक ही फेक था। फेक सेल्स, फेक इनवॉइसेस, फेक बैंक स्टेटमेंट्स, बोगस एम्प्लॉयज भी। 13,000 एम्प्लॉयज बोगस थे जिनके नाम पे हर महीने सैलरी विड्रॉ की जा रही थी, जो कभी थे ही नहीं। मतलब रामलिंगा राजू के घर में इनडायरेक्टली फ्लो हो रहा था वो पैसा। 13,000 एम्प्लॉयज पर मंथ इंटू 9 years दे डिड ऑल दिस कांड। और ये पैसा कहां जा रहा है? कंपनी की बुक्स में एक्सपेंस बता के राजू के घर पे ही तो जा रहा था। राजू ने सोचा, मतलब राजू जी ने सोचा, रामलिंगा राजू ने, कि मैं क्या करूंगा, कंपनी को टेक ओवर कर लूंगा। माइटस, माइटस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ सत्यम। और उसमें सबसे मेन जो थे वो उनके बेटे ही थे माइटस में। तो उन्होंने सोचा आई विल टेक ओवर माइटस। सो व्हेन वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर कंपनी ना, दिस इज नोन एज इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, वेर इन यू आर मर्जिंग, मर्ज हो रहे दो कंपनीज। सो आई एम टेकिंग ओवर अनदर कंपनी, देन योर एसेट्स, योर लाइबिलिटीज बिकम माई एसेट्स, माई लाइबिलिटीज, एंड आई गिव यू अ परचेज कंसिडरेशन फॉर द सेम। और ऐसा हो सकता है परचेज कंसिडरेशन इज एक्चुअली ओवर एंड अबव द एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बिकॉज आई एम गिविंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट एज गुडविल। आई एम गिविंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट एज गुडविल, क्योंकि अब वो कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट भी अब मेरा होगा, तो इसलिए आई गिव एन एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये रामलिंगा राजू ने सोचा कि ये जो गैप था मेरा, जो मैंने क्रिएट किया था, दैट आई विल शो एज इफ आई हैव पेड टू माइटस फॉर द गुडविल ऑफ दैट कंपनी। बट ऐसे डिसीजंस लेने के लिए डायरेक्टर्स नहीं, शेयर होल्डर्स का भी ओपिनियन लेना पड़ता है। और शेयर होल्डर्स ने ये रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया का हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसके लिए लगता है एक बेंच, एक टेबल, लैपटॉप और इंटरनेट, उतना भी दे दिया ना हमारी कंपनी काम कर सकती है। व्हाई वी वांट टू टाई अप विद एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मतलब इट हैज नो रिलेशनशिप विद द सॉफ्टवेयर कंपनी दैट वी हैव। देखो अगर आप उसी फील्ड में एक्सपैंड कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर से आप हार्डवेयर में जा रहे हो तो बात अलग है। आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर कर रही है और आप रियल एस्टेट में जा रहे हो, क्या इसका 1% भी कुछ रिलेशनशिप है? अरे बोलो ना। कल जाके एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड इज इनटू द कोचिंग ऑफ सीए स्टूडेंट्स, इट इज टेकिंग ओवर सम अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब संबंध क्या है दोनों का? व्हाई विल द शेयर होल्डर से यस? ऑफकोर्स अगर मैं बात करूं आई एम टेकिंग ओवर सब 11th 12th और सीएस और सीपीए, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या अकेडमी को मैं टेक ओवर कर रही हूँ, तो मेरे को समझ में भी आता है दैट गोल्स आर अलाइंड, वी आर ऑल इनटू एजुकेशन। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद अल्कोहल? ये बच्चों की आंखों में कुछ और ही नजर आ रही है। देखो मैम आप नहीं समझोगे, सैटरडे शाम मिलते अब क्या भावनाएं समझ लो मैम ऐसे बोल रहे तो ऑब्वियसली यहां पे इन लोगों ने मना कर दिया, कहा वी डोंट वॉन्ट टू बाय ओवर माइटस, इट हैज नो रिलेशनशिप विद सत्यम एंड सत्यम इज डूइंग फेयरली गुड, वाई विल वी टेक ओवर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वेर इन देर इज अ रिसेशन इन रियल एस्टेट। तो रेजोल्यूशन वॉज नॉट पास्ड, तो प्लान बी जो था रामलिंगा राजू का वो भी फेल हो गया। राजू ने सोचा कि इस ड्रिल से ये दिखाने में मदद होगी कि एक्चुअल फिगर्स और झूठी फिगर्स में जो गैप था उन पैसों से इन दो कंपनीज को खरीदा गया है, जबकि एक्चुअल में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो दोनों भी राजू फैमिली के ही बिजनेसेस थे। इस तरह एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स के बीच का गैप फिल हो जाएगा। 16 दिसंबर 2008 को सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्लान को तुरंत मंजूरी दी। डायरेक्टर्स की परमिशन लिए बिना ही राजू ने इस डील को सैंक्शन कर दिया। लेकिन सत्यम के इन्वेस्टर्स को ये डिसीजन कुछ ठीक नहीं लगी, स्पेशली सत्यम के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। सत्यम के इस डिसीजन के बाद सत्यम के स्टॉक में जोरदार गिरावट हुई। यूएस के एक इन्वेस्टर ने सत्यम के खिलाफ लॉसूट भी फाइल किया और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सत्यम के स्टॉक में 55% की गिरावट हुई, जिसके दबाव में आकर सत्यम ने मेटस प्रॉपर्टीज और मेटस इंफ्रा को अक्वायर करने का प्लान रद्द कर दिया। जैसे ही यह प्लान फेल हो गया, सत्यम के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया।
गैप फिल करने का राजू के पास ये आखिरी ऑप्शन था। उसे भी फेल होते हुए देखकर राजू ने 7 जनवरी 2009 को ये कन्फेस यानी कबूल कर दिया कि सत्यम कंप्यूटर पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे राजू ने फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स इन्फ्लेट किए थे। द एक्चुअल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स होता है, वॉज 2112, ऑल फिगर्स आर इन क्रोस, बट हमने दिखाए कितने थे 2700। Actual profit was only 61 crores, but we showed 649 crores. कितना ज्यादा गैप है, मतलब 60 का 100% भी 120 होता है, और उससे भी कई 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 गुना ज्यादा उनका प्रॉफिट हमने बताया है। सिमिलरली आप यहां पे देखो ना, कैश बैलेंस ये दिख रहा है थर्ड नंबर, एक्चुअल कैश बैलेंस वॉज 321 crores. And what are we showing in our books? Look at this figure and look at this figure. 5,361 crores. कितना window dressing किया है इस कंपनी ने, और ये एक साल में नहीं किया है, इट हैपेंड इन द नंबर ऑफ 8 to 9 years. इनफैक्ट जब रामलिंगा राजू ने सेबी को ये कन्फेशन लेटर लिखा ना, उसने वहां पे लिखा भी था एक सेंटेंस दैट आई वॉज राइडिंग अ लाइन जिसका खुद का कंट्रोल कैसे करना है वो मुझे खुद को ही नहीं पता था। This is what happened. पहले एक छोटे से प्लान से शुरुआत हुई, बट धीरे धीरे करके अब उस झूठ को छुपाने के पीछे इतने झूठ और इतना विंडो ड्रेसिंग होते गया दैट वन डे दैट बबल हैड टू बर्स्ट। कभी ना कभी तो वो सैचुरेशन लेवल आने वाला था कि आप कितना आप झूठ बोलोगे और कितना आप ये सब बताते जाओगे, फेक इनवॉइसेस, फेक सेल्स, एक विशेष सर्कल है वो, कभी ना कभी तो वो फूटने वाला था। और अब उन्होंने सोचा कि कोई और आके कुछ मुझे पकड़ ले या कुछ और कांड हो जाए, उसके पहले मैं ही खुद जाके अपने आप को सरेंडर कर देता हूं। सो ही कन्फेस्ड एंड ही सेड दैट आफ्टर दैट, एंड सी लुक एट द लायबिलिटीज, दे आर शोइंग दे हैव जीरो लायबिलिटी। हाउ कैन अ कंपनी रन विद जीरो लायबिलिटीज, यू टेल मी। खुद एसपीसी में हमने यहां पे हमारा ये जो ऑफिस है उसको गिरवी रखते हुए लोन लिया है। आप बताओ मुझे, हाउ कैन अ कंपनी, सच बिग कंपनी, रन विदाउट लायबिलिटीज? यस और नो गाइस, दैट्स नॉट पॉसिबल। इवन अ छोटा किराना वाला अंकल हैज टेकन सम लोन और दी अदर टू ग्रो हिज बिजनेस। यहां पे आप इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हो, सिर्फ इंडिया ही नहीं, यू आर ऑल्सो लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड यू आर सेइंग यू डोंट हैव अ सिंगल रूपी लायबिलिटी। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आप यहां देख सकते हो कि राजू ने दिखाया हुआ प्रॉफिट कंपनी के एक्चुअल तरह राजू कई इसके बाद राजू के साथ साथ सत्यम और दिखाए गए फिगर्स के बीच 7000 करोड़ का गैप, टोटल 7000 इसके बाद राजू के साथ साथ सत्यम के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स पर भी सवाल उठने लगे कि कंपनी पे, यू नो हु द ऑडिटर्स वर, पीडब्ल्यूसी, वन ऑफ द बिग फोर्स वर द ऑडिटर्स ऑफ सत्यम। तो रामलिंगा राजू को तो जेल भेजा गया था, बट उसके साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को भी हमने पनिश किया था, बिकॉज ऑडिटर तो वही बंदा है यार जिस पे हम भरोसा करेंगे। हम तो शेयर होल्डर है, हमने कंपनी में पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद हम भूल गए क्योंकि हमको डे टू डे एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व किया ही नहीं गया है। बट अब ये ऑडिटर है जो कहता है हाँ हमने देखा है कि साल भर इन्होंने ये काम किया है, उसके पीछे का डॉक्यूमेंट्स देखा है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिलीव करो। अब अगर ऑडिटर भी इनसे मिल गया है तो भरोसा क्या रहेगा ना? आप सोचो ना, एक तो कंपनी और डायरेक्टर्स एक हो गए और ऑडिटर भी उनसे मिल गया, आप सोचो ना कितना धोखा वाला फीलिंग आम जनता को हुआ होगा। जब ये न्यूज बाहर आई थी बाहर, द शेयर प्राइसेस शार्पली फेल डाउन, और इंडियन ही क्या, इवन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस वर यू नो टोटली इन शॉक व्हेन दिस स्कैंडल केम आउट। पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करती रही और ये हो सकता है तो फिगर्स ऑडिटर का काम, पर यहाँ पर ऑडिटर ने भी शेयर होल्डर्स के साथ धोखेबाजी की, उन्हें फीस देता था। गवर्नमेंट ने तुरंत सत्यम पर नए बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट किया और सत्यम को पूरी तरह कोलैप्स महिंद्रा सत्यम कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार राजू मनी लॉन्ड्रिंग करता था, आईटी कंपनी थी कि कुछ ही महीने पहले अपने सत्यम के शेयर्स बेचा। LIC जो सत्यम कंप्यूटर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपकी ड्यूटी है कि आप चेक करो। तो ये जब जरूरी रहेगा तब मैं आपको बता दूंगी बाकी का वीडियो। आज के लिए इतना समझ लो कि इतने सारे कांड अगर हुए,
आप खुद बताओ। और ये तो ये एक कांड के बारे में मैं बात कर रही हूं, इसके अलावा तो इतने सारे केसेस आए हैं कि पूछो ही मत। ऑब्वियसली बात है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होते गया और इसी डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस को अब रीगेन करने के लिए इसीलिए जरूरी हो गया था कोई नए एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस द कंपनीज एक्ट 2013, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई दिस एक्ट केम इनटू पिक्चर व्हिच इज मच मोर स्ट्रिक्टर एज कंपेयर टू द 1956 एक्ट। और धीरे धीरे नाउ वी आर रीगेनिंग द कॉन्फिडेंस, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि जो झटका लोगों को बैठा है वो बहुत बड़ा वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, नाउ पीपल थिंक 10 टाइम्स बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द शेयर मार्केट, एंड स्पेशली नाउ ऑल्सो यू कैन सी ड्यूरिंग दीज टू ईयर्स इवन ऑफ द कोविड, स्टॉक मार्केट में इतने चेंजेस हुए, कभी एकदम हाई कभी एकदम लो, अब वापस से मार्केट धीरे 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 करके नॉर्मल पे आ रहा है, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है ये पैटर्न क्या है। और उसमें अगर जैसे कुछ साल पहले वो किंग फिशर का कांड आ गया, तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बैठना शुरू हो जाता है, ऐसा वापस झटका लग जाता है। तो पीपल आर इन मेंटल ट्रॉमा, जैसे अपन कुछ खाते हैं और हजम नहीं होता तो कैसे हम लोग पेट गड़बड़ हो गए वैसा बोलते हैं। वैसे अभी आप सोचना, दिन रात इंसान मेहनत कर रहा है और अपनी सेविंग्स कहाँ डाल रहा है, इन शेयर्स में डाल रहा है, और अचानक से आपको ऐसा कुछ बड़ा झटका मिलेगा, आपको ये खबर हजम नहीं होती, दिमाग में ट्रॉमा में चले जाते हो आप। तो वैसा ही कुछ हो रहा था, एंड दैट इज वाई वी थॉट वी हैड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एक्ट। ये 2008-2009 में आया ये चीज़। उसके बाद गवर्नमेंट सोच ही रहा था कि हमें करना ही है कंपनीज एक्ट में चेंजेस, बट बिकॉज ऑफ दिस बिग एपिसोड अब प्रेशर गवर्नमेंट पे भी आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पे भी आ गया, और फिर उन्होंने जल्द से जल्द एक्शन लेना चालू किया, एंड देन फाइनली इन द ईयर 2013 दिस न्यू एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। यस नो गाइज, चलो इसी से फिर हम लोग ऑफिशियल शुरुआत करते हैं हमारे सब्जेक्ट की। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई द एक्ट केम इनटू पिक्चर? व्हाई समझ गया ना, फिर व्हाट इज रिटन समझना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज वी शुड बी नोइंग द ऑब्जेक्टिव। याद है आपने, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए भी आपको पहले बताया था कि क्यों ये एक्ट आया, तो हिस्ट्री में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही एमलेसली लर्न करके कुछ मतलब नहीं है। प्रोविजन तो सब लोग पढ़ने वाले, बट पता होना चाहिए कि क्यों हम लोग किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो मजा कुछ और ही हो जाता है। आ जाइए, हाँ, तो ये सवाल मेरे को आप लोगों से पूछना था, आपके हिसाब से एक्ट और लॉ दोनों सेम है या अलग अलग है? विच इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट? ओके, सो वेरी गुड, लॉ इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। लॉ कंप्राइजेस ऑफ मेनी थिंग्स, वन ऑफ दोज थिंग्स इज एक्ट, बट एक्ट के साथ साथ दूसरी चीजें भी होती है जो लॉ का हिस्सा होता है। हम क्या देख रहे हैं? कॉर्पोरेट एंड अदर, कॉर्पोरेट एंड अदर, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो जब हम लॉ देखते हैं, लॉ में होते हैं एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज एंड केस लॉज। ये सारी चीजों को मिला के बनता है हमारा लॉ। तो क्या है एक्ट? क्या है एक्ट? What do you mean by an act? What do you mean by an act? Okay, so agreed. Act comprises of various things: section plus subsection plus clause plus subclause. ये देखो, जब मैं लॉ के बारे में बात करती हूं, लॉ इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, इट इंक्लूड्स एक्ट्स प्लस रूल्स प्लस केस लॉज प्लस रेगुलेशंस प्लस बायलॉज प्लस ऑर्डिनेंसेस। ये सब कुछ जब मिलता है तो बनता है लॉ। अब एक एक करके देखते हैं इन सारे शब्दों का क्या मतलब है। सबसे पहले तो आता है हमारा एक्ट।
आप लोगों ने तो ऑलरेडी 5 acts फाउंडेशन में किए हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट किया है, पार्टनरशिप एक्ट किया है, कंपनीज एक्ट और LLP एक्ट भी आप लोगों ने किया हुआ है. तो एक्ट, जब मैं एक्ट के बारे में बात करती हूं ना, एक्ट, व्हाट इज एन एक्ट? एक्ट इज नथिंग बट इट कंप्राइजेज ऑफ सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. देखो, बेसिकली दिस इज अ मेन एलिमेंट ऑफ द वर्ड लॉ. यहां पे अभी आपने देखा कि अब हमें कंपनी से रिलेटेड कुछ कानून बनाना जरूरी हो गया. हमें कंपनी से रिलेटेड कुछ कानून बनाना जरूरी हो गया. तो लॉ मेकर्स मिलते हैं, लॉ मेकर्स मिलते हैं. अब देखो, मोदी जी तो हर काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं. अब मोदी जी हैज टू डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर, बट अलोन, स्टैंड अलोन ही कैन नॉट डू एवरीथिंग. ही रिक्वायर्स अ टीम अंडर हिम. अपनी खुद की एक फौज है मोदी जी के पास, जिनके द्वारा वो देश को चलाते हैं. इतनी सारी चीजें होती है जिसके बारे में मोदी जी को सोचना पड़ता है. आप खुद देखो, रेलवेज के बारे में, यूथ के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, एक्सटर्नल अफेयर्स है, होम अफेयर्स है, इतनी सारी चीजें है जिसके बारे में मोदी जी को सोचना पड़ता है. तो एक अकेला फाइनेंस के बारे में है, डिफेंस के बारे में है. अब ये सारी चीजें मोदी जी, जाहिर सी बात है, अकेले तो नहीं कर सकते. उसके लिए उनको लगती है अपनी खुद की फौज. तो यही जो डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनको चलाने के लिए मोदी जी ने क्या कर दिए, उनके खुद के हेड्स अपॉइंट कर दिए हैं. जैसा अगर हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या तो चलो ना फाइनेंस छोड़ दो, फाइनेंस के बारे में तो पूजा मैम भी अच्छे से बताएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो एक्ट है वो कंपनीज एक्ट ही है, विच इज कमिंग अंडर दिस डोमेन. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, उनकी जो हेड है दैट इज निर्मला सीतारमन. ये देखिए, ध्यान से देखिए इस चेहरे को. क्या आपने इस चेहरे को कभी पहले देखा है? यस, शी इज ऑल्सो द हेड ऑफ वन मोर डिपार्टमेंट. आई डोंट नो वेदर दिस वॉज डन ऑर नो. यस, शी इज ऑल्सो द हेड. आप दिख रहा है, आई जस्ट जूम इन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और ये जो फाइनेंस की हेड है वो भी है निर्मला सीतारमन. तो मोदी जी ने क्या किया है देश को चलाने के लिए, पहले तो ये देख लिया है कि देश के कितने सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यू नो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिफेंस जो कितना इंपॉर्टेंट है, रेलवेज, कल्चर, कोल, आयुष की मिनिस्ट्री है. और हर एक मिनिस्ट्री जो है उनके है अपने अपने हेड्स. ये इस बंदे को कभी आपने देखा है? मिस्टर अमित शाह, ही इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ऑल्सो. यस, तो वो एच में जाएगा. ये देखो, ये रहा, वेरी गुड यार, देखो होशियार बच्चे आप लोग. मिनिस्ट होम अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके भी जो हेड है वो है मिस्टर अमित शाह. तो ये अमित शाह, निर्मला सीतारमन, ये सारे लोग जो है ये मोदी जी के फौज है, उनके द्वारा मोदी जी काम करवा के लेते हैं. हर एक चीज में वो ऑब्वियसली इन्वॉल्व्ड नहीं हो सकते हैं. सो बेसिकली ही हैज अ टीम, और ये टीम मेंबर्स जो है अपने अपने डिपार्टमेंट के जो हेड है वो अपने अंडर के लोगों के द्वारा क्या करते हैं, उस कंसर्न डिपार्टमेंट का सारा काम करवाते हैं. तो मोदी जी ने क्या किया होगा, इस सत्यम के कांड के बाद मोदी जी ने निर्मला सीतारमन को बुला होगा, जो भी या उस समय के डिपार्टमेंट के हेड रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, और उनको कहा, हम चाहते हैं आप कंपनी से रिलेटेड नई एक्ट बनाओ, हम चाहते हैं आप कंपनी से रिलेटेड एक नई एक्ट बनाओ. तो ये लोग तो एक्सपर्ट्स है, ये लोग सब मिल जाएंगे और ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से सारे प्रोविजंस ऐड करने चाहिए, कौन सी टाइप की कंपनीज होनी चाहिए,
ये कंपनीज जो होती है उनको इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, कंपनी बिजनेस कब कमेंस करेगी, डायरेक्टर्स के क्या रोल्स है, डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स है, शेयर होल्डर्स की क्या ड्यूटीज है, कौन सी कंपनी पब्लिक के पास जाएगी और पब्लिक इशू कर पाएगी, पब्लिक इशू करना है तो उसके क्या सारे प्रोविजंस हो गए, क्योंकि आप पब्लिक के पास जा रहे हो, मतलब वापस से पब्लिक से आप रूबरू हो रहे हो, और पीछे जो हमने गलती की है वापस से हम आपको रिपीट नहीं करने देंगे। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस में अगर आपने कुछ गलत लिखा ना, फॉरगेट अबाउट द फाइन, यू कुड ऑल्सो बी सेंड टू जेल, जेल दैट टू अप टू 10 ईयर्स, मतलब सपने शुरू होने के पहले ही चूर चूर हो जाएंगे। 10 साल की जेल किसको बोलते हैं, 10 साल। तो ये सारी चीजें हम इंक्लूड करेंगे, कहां पे हम लोग इंक्लूड करेंगे, अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये सारे लोग निर्मला सीत मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लोग बैठेंगे और ये सारे प्रोविजंस को लिखेंगे एक के बाद एक अच्छे सिस्टमैटिक ऑर्डर में। हम लोग पहले इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, फिर प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड, डिपॉजिट्स से रिलेटेड, ऐसे अलग अलग हम यूनिट्स बनाएंगे और उनसे रिलेटेड सारे प्रोविजंस को लिखते जाएंगे। ऐसे करके इन लोगों ने बनाया एक ड्राफ्ट, और यही जो ड्राफ्ट है, दिस ड्राफ्ट which was prepared by the Ministry of Corporate Affairs will be laid down in both the houses of the parliament. Both the houses of the parliament matlab kaun se Lok Sabha and Rajya Sabha. Jaise hi ye Lok Sabha aur Rajya Sabha mein pass ho jata hai, it will go to our honorable president for his or her consent, and once the president gives his, अब मैं his बोल रही हूँ, मतलब his will also include her, okay? This is given under the General Clauses Act. तो because right now who is the current president of India? Very good. So that is why it will go to the president of India, and once the president of India gives his consent, this draft will now become an official act. तो ये जो act है, act, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, और ऑब्वियसली बात है इतने सारे प्रोविजंस अगर हमें देने हैं तो हमें उसको सिस्टमैटिकली लिखना जरूरी है। तो एक के बाद हम लिखते गए। बट अब देखो, ये कोई छोटी सी क्लास तो नहीं है जिसके हमने रूल्स बना दिए, रूल 1, रूल 2, रूल 3। हम लॉ मेकर्स यार, कम ऑन, इज्जत देनी पड़ेगी। तो अगर हम कुछ बना भी रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कुछ फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इन्हीं को हमने नाम दे दिया है एज सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। ये कुछ अलग नहीं है, इट्स नथिंग बट इट इज जस्ट द प्रोविजंस दैट आर रिटन इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। बट थोड़ा सा ये ऐसे फील होना चाहिए ना, हम लोग कानून की दुनिया एंटर कर रहे हैं। वैसे बोलेगा हाँ ये 1 नंबर में ये लिखा है, 2 नंबर में ये, 3 में ये, 4 में ये, तो फील नहीं आएगा वो, तो इसलिए उसको कहा गया एज सेक्शन। अब हो सकता है ना पॉइंट्स के अंडर पॉइंट्स है तो सबसेक्शन, उसके भी बच्चे है तो क्लॉज, उसके भी बच्चे है सब क्लॉज। तो ऐसे करके बनता है हमारा एक्ट। सो बेसिकली एक्ट कंप्राइजेस ऑफ सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज एंड ऑल्सो सब क्लॉज। मैं आपको कंपनीज एक्ट रियल में बताती हूं। ये देखो, बेयर एक्ट कभी देखी है आप लोगों ने, कंपनीज एक्ट की, देखो आपके स्क्रीन पे, अब दिस इज द बेयर, बेयर एक्ट मतलब जैसा बनाया गया है वैसा का वैसा आपके आंखों के सामने अभी रखा गया है। बेयर, इससे किसी ने छेड़छाड़ी नहीं की है, जैसा बनाया है वैसा ही आपके सामने रखा गया है, ऐसा ही लॉ मेकर ने बनाया है। देखो कंपनीज एक्ट 2013 आपको दिख रहा है, यहां पे चैप्टर्स है, ये चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी चैप्टर है जिसमें 2 सेक्शन है, 1 और 2, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन। फिर चैप्टर 2 है जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। तो ये सारे सेक्शन जो है ना, 3 से लेकर 22 तक, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या आपको, ये सारे 3 से लेकर 22 तक, ऑल दी सेक्शंस आर रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन।
इसमें से आपका फाउंडेशन में 7 और 8 हुआ है, आई थिंक 3, 4, 5 भी हुआ है फॉर्मेशन, 2, 1, 2 या 7 लोग लगते हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल, इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8 इज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारे सेक्शंस जो है 3 से लेकर 22 तक जो चैप्टर 2 का हिस्सा है, ऑल दीज आर रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन. देखो कितने सिस्टमैटिकली बनाया है लॉ मेकर ने, और सिस्टमैटिकली करना भी पड़ेगा ना, इतने प्रोविजंस है, तो ऐसे ही जब जो मन आया थोड़ी ना लिख सकते हैं या कह सकते हैं या बोल सकते हैं. फिर चैप्टर 3 बात करता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. अगर कोई कंपनी पब्लिक ऑफर करना चाहती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाना चाहती है, तो प्रोस्पेक्टस के टाइप्स क्या है, प्रोस्पेक्टस में लिखा क्या होना चाहिए, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस. 26 दिख रहा है. अगर प्रोस्पेक्टस में लिखी गई बातें गलत है, देखो सिविल लाइबिलिटी तो है 35 में, देखो 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटी, यू कैन ऑल्सो बी सेंट टू जेल फॉर गिविंग सम मिसस्टेटमेंट. अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ही देखा होगा किसी का मर्डर किया, रेप किया तो जेल भेज रहे. प्रोस्पेक्टिस में मिसस्टेटमेंट है तो भी आपको जेल हो सकती है, और वो भी मैक्सिमम 10 ईयर्स, समटाइम्स मिनिमम 3 ईयर्स, एंड मैक्सिमम इज 10 ईयर्स कि आपको जेल हो सकती है. तो यही प्रोस्पेक्टिस से रिलेटेड सारे प्रोविजन 23 से शुरू होते हैं एंड दे गो अप टू सेक्शन नंबर 41. फिर उसका सेकेंड पार्ट भी है जो प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो पब्लिक ऑफर के बारे में था, बट प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है. इट इज LRP प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड टू गो टू द पब्लिक. तो इनको प्राइवेट प्लेसमेंट का ये सेक्शन 42 है. ऐसे करके इतने सारे चैप्टर्स हैं, 4, 5, 6. आपको तो खैर सिर्फ चैप्टर नंबर 10 तक ही है. अगर आप देखोगे, देखो चैप्टर 10 148 पे खत्म हो रहा है, दिख रहा है आपको. तो दीज चैप्टर्स दैट इवन आई हैव गिवन इन माई टेक्स्ट बुक ना आर अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल कंपनीज एक्ट 2013. मैंने आपको कहा था लेवल एकदम अलग है इंटर और फाउंडेशन का, इट्स अ बिग जंप. इट्स नॉट इवन स्टेयरकेस वाला स्टेप स्टेप स्टेप, डायरेक्ट बड़ा जंप ही है. तो 7 जो है मेरे साथ वो आ जाएगा उसकी नैया पार, नहीं तो छूट गया तो गिर गया जोर से. 148 तक के सेक्शंस, मतलब चैप्टर 10 तक आपको कवर किए जाने वाले हैं इन सीए इंटर. तो ऐसे करके लॉ मेकर्स जो है इस कानून को बनाते हैं. मैं कोई भी एक रैंडम सेक्शन पे आ जाती हूँ जो आपने किया है फाउंडेशन पे, ताकि आपको समझ में आए सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है एंड सब क्लॉज क्या होता है. ये देखो यहां पर इसके बच्चे है, देखो ये 8 लिखा है मैंने, 8 स्क्रीन पे देख रहे हो क्या सब लोग. 8 इज वॉट, दिस इज पॉइंट नंबर 8, बट कानून की दुनिया में हम उसको पॉइंट 8 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सेक्शन 8. क्या कहेंगे, सेक्शन 8. फिर ये बोर्ड में जो दिया है इज द एक्चुअल हेडिंग ऑफ दैट सेक्शन. क्या लिखा है बोले तो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल. सो बेसिकली दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. और फिर उसके बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहा है, ये 1 है, फिर मेरे को स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर लेनी पड़ेगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे बहुत सारे इसके नीचे हो गए, 8 का बच्चा है 1. फिर ये दिख रहा है 2, 3, 4, नजर आ रहा है नहीं. तो ये सब जो है, व्हाट आर दीज, दीज आर सब सेक्शंस, दीज आर ऐसे सब सेक्शंस होते हैं. तो अगर मैं ये पॉइंट 2 रीड कर रही हूं ना, द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी. आई एम बेसिकली रीडिंग सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 2. कुछ समझ में आया, व्हाट एम आई रीडिंग. सपोज मैं ये रीड कर रही हूं, ये वाला पॉइंट नंबर 7, व्हाट एम आई रीडिंग, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 7. और इन बच्चों के भी बच्चे हो सकते हैं,
तो जैसे अगर आप सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 देखते हो, उसके 3 बच्चे हैं. हाँ, तो अब ये क्लॉज ए है, बी है, सी है. ए में लिखा है कि उसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एडुकेशन, रिसर्च वगैरह वगैरह. फिर आपका जो प्रॉफिट है पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए फॉर द प्रमोशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव. और ये जो है वो कहता है कि यू कैन नॉट पे डिविडेंड टू योर मेंबर्स, यू आर प्रोहिबिटेड. सो बेसिकली अगर मैं ये पॉइंट रीड करती हूँ कि आपको आपका प्रॉफिट इस्तेमाल करना चाहिए ओनली फॉर द प्रमोशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, आई विल से आई एम रीडिंग सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी. हाँ, जो भी ए बी सी वट एवर इट इज. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग? सो बेसिकली डरो मत आप. These are just terminologies. These are just names. Once you understand it, that fear will automatically go. क्या है ये? हम लोग अपने बुक में भी लिखते वक्त इतने systematically लिखते हैं. सिर्फ उसको points देते हैं और sub points देते हैं हम लोग. यहाँ पे सिर्फ कानून की दुनिया में हम points sub points नहीं कहेंगे, हम कहेंगे section, subsection, clause, sub clause. क्या क्या कहेंगे? Section, subsection, clause, subclause. यही तो है act. ये पूरा का पूरा बेड एक्ट है. इसमें सारे प्रोविजंस यहां पे दिए गए हैं. जैसे कि ये सेक्शन 14 अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स. सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट अल्ट्रेशन और उसमें सब सेक्शंस है. सब सेक्शन के भी बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं क्लॉजेस. हाँ है ना? तो अगर आपसे कोई पूछता है एक्ट क्या होता है, एक्ट में चार चीजें होती है. कौन सी चार चीजें? बोला सेक्शन, सबसेक्शन और एक्ट इज अ बच्चा ऑफ लॉ. एक्ट इज अ बच्चा ऑफ लॉ. तो एक्ट इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द बिग ब्रॉडर वर्ड दैट इज लॉ. एक्ट पढ़ लिया मतलब लॉ नहीं पढ़ा है, सिर्फ कानून का एक हिस्सा आपने पढ़ा है. बट एक्ट के साथ साथ आपको पढ़ने पड़ते हैं रूल्स. आप कंपनीज एक्ट में देखने वाले हो, इतने सारे सेक्शंस में लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूल्स. एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूल्स. बहुत बार क्या होता है, देखो अभी आपने देखा एक्ट कैसे बनता है. इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है एक्ट को बनने का, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन वाली पार्टी भी रहती है. आधे टाइम तो पार्लियामेंट सेशन में रहता नहीं है और जो आधे टाइम रहता है वहां पे तोड़ा फोड़ी मारा मारी सब होता है. मतलब पूरा ड्रामा, सब कुछ फुल एंटरटेनमेंट यहां पर होता है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ही होता है ऑपोजिशन करना. सो बेसिकली समय लग जाता है कोई भी चीज को पास होने के लिए. तो अब लॉ मेकर ने क्या कर लिया, जो 1956 में उन्होंने गलती की थी उसको वापस से दोहराया नहीं है. 1956 के एक्ट में, जो इसके पहले वाली एक्ट थी ना, उसमें बहुत सारे सेक्शंस थे और रूल्स बहुत कम थे. 658 सेक्शंस थे और रूल्स बहुत कम थे. बट ये सेक्शन को अगर चेंज करना है, आप लोकसभा में जाओ, राज्यसभा में जाओ, फिर प्रेसिडेंट का कंसेंट लो और फिर वो चेंज होगा. मतलब मोदी जी के साथ साथ आपको आपके पप्पू जी, मतलब मनमोहन सिंह भी दिखेंगे, गांधी भी दिखेंगे, सब दिखेंगे आपको. तो पूरा काम जाम है वहां पे, जिसको चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो हमने यहां पे 2013 के एक्ट में हमने क्या कर दिया, आई जस्ट फॉरगॉट. ओके, इस पर्टिकुलर एक्ट में हमने 470 सेक्शंस रखे हैं, विच इज मच लेसर देन द प्रीवियस एक्ट. बट साथ साथ में हमने क्या कर दिया है, बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं. क्योंकि रूल्स कौन बनाता है और उसको चेंज कौन करता है? रूलिंग पार्टी, मतलब मोदी जी. आज मोदी जी की इच्छा हुई, रूल बना दिया, सोचा नहीं आ रही नींद, बहुत टेंशन है, बस रूल ड्राफ्ट कर लिया, अगले दिन ऑफिशियल गैजेट में आ गया रूल. तो बेसिकली बहुत आसान होता है रूल को बनाना भी और रूल को चेंज भी करना. तो हमने 2013 के एक्ट में एग्जैक्टली वही चीज की है, सेक्शंस को कम करके रूल्स बढ़ा दिए हैं. सी,
यू विल ऑल्सो बी लर्निंग जीएसटी. अगर आप देखते हो, यू हैव टू पे जीएसटी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज. बट हर गुड पे या हर सर्विस पे जीएसटी कितना लेना है, दैट्स नॉट गिवन इन द एक्ट, दैट्स गिवन इन द रूल्स. इसलिए आप देखोगे सेम चीज पे कभी जीएसटी 12% हुआ करता था और आज हम 18% दे रहे हैं. इतने आसानी से चेंज हो जाता है. तो अब आसान हो जाता है ना, बदलते जमाने के साथ कानून को बदलना आसान हो गया है अगर वो रूल्स के द्वारा इंप्लीमेंट हुआ है तो. नहीं तो हम तो पार्लियामेंट में लड़ते झगड़ते ही बैठेंगे और हम नहीं चाहते ये चीज हो. और इसीलिए हमने 2013 के एक्ट में क्या कर दिया है, रूल्स बढ़ा दिए हैं और सेक्शंस घटा दिए. कहां पे भी कोई भी सेक्शन में आपको नजर आएगा ना कंपनीज एक्ट में, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब समझ लेना, इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्ट के साथ साथ पढ़ने पड़ेंगे रूल्स. सिर्फ रूल्स नहीं, बहुत बार लोगों के झगड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमारे हिसाब से तो लॉ मेकर ने ये कानून ड्राफ्ट किया है, उसका ये इंटरप्रिटेशन है. दूसरा बंदा कहता है नहीं नहीं इसका ये मतलब नहीं होता, इसका तो वो मतलब होता है. और सब लोग अपना अपना मतलब निकालते हैं अपने फायदे के हिसाब से, हो जाता है झगड़ा. पहले इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, मतलब शब्द एक बट उसके मतलब अनेक हो जाते हैं. तो इंसान कहता कुछ है और लोग उसको समझते हैं कुछ और. फाउंडेशन की बैच में ऐसा ही हुआ था एक बार मेरे साथ ही कुछ. अच्छा आगे बढ़ते, छोड़ो बहुत भाई याद है. एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ आई नॉट टेक माय एग्जांपल, आई से चलो. स्कूल में एक बार ऐसा हुआ था मेरा नहीं था ठीक है. स्कूल में ऐसा हुआ था कि एक साइंस टीचर थी और कुछ बच्चों को समझा रही थी और उनकी जो नोटबुक में डायग्राम था वो क्लियर नहीं था. तो मैम ने वो डायग्राम जो है वो स्क्रीन पे अपने बताया या ड्रॉ किया और फिर मैम ने बताया बच्चों को कि डोंट लुक एट दैट फिगर, लुक एट माय फिगर. ओके बेसिकली टीचर ने कहा कुछ एक मतलब रखते हुए और बच्चों ने समझा वही, ऐसे ही वाहियात बच्चे थे समझा कुछ और चीज दिमाग में रखते हुए. सो इंग्लिश इज लाइक रियली फनी लैंग्वेज, बहुत लिमिटेड वर्ड्स है इस लैंग्वेज के डिक्शनरी में. लॉ मेकर आए और उन्होंने लिखा कुछ एक मतलब रखते हुए, बट हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, सब लोग मजे ले रहे. अब ऐसे केस में झगड़े हो जाते हैं लोगों के. कुछ समय पहले ही वोडाफोन जो कंपनी है ना, वोडाफोन, उसने क्या किया, इनकम टैक्स के एक प्रोविजन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया. और इसी प्रोविजन के हिसाब से अगर आप वोडाफोन की बात मानो, दे डिड नॉट हैव टू पे अ टैक्स लायबिलिटी वर्थ 11,000 crores. आई एम टॉकिंग अबाउट 11,000 crores. और डिपार्टमेंट कह रहा था, ये देखो ये आर्टिकल अभी खुला है लाइव आपके सामने, डिपार्टमेंट कह रहा था नहीं नहीं ये जो प्रोविजन दिया गया. अब देखो इनकम टैक्स एक्ट वॉज मेड इन विच ईयर, 1961 की मैं बात कर रही हूं. हो सकता है जिन्होंने बनाया वो इंसान आज है भी नहीं, इट माइट हैपन ना. आज आप समझ लो 50+ इज ऑल बोनस लाइफ, उसके बाद जो भी है आपका बोनस ही है. पहले के जमाने की बात ही नहीं रही, मतलब हाँ मतलब 100 वॉज लाइक वेरी नॉर्मल, मतलब दादा दादी नाना नानी अभी भी है 90s के एज के. हमारे लिए 90s, आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू कम इवन वेरी क्लोज टू 19 लुकिंग एट द लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग. सो लाइक बनाया उन्होंने 1961 में और आज झगड़ रहे डिपार्टमेंट और वोडाफोन के लोग. वोडाफोन कह रहे हैं नहीं नहीं इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा ही है, हमको ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है. और डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं 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 आपने ठीक से उसको समझा नहीं है, आपको देना पड़ेगा. देखो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है. देखो वैसे सेंटेंस एक ही है बट उसके मतलब अनेक निकल जा रहे हैं. तो आ गए लड़ते झगड़ते दोनों और ये केस गया टिल द सुप्रीम कोर्ट.
एंड दैट इज वाई इट्स अ वेरी जजमेंटल केस. और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर प्रोविजन को इंटरप्रिट किया और कहा दैट यस, वोडाफोन डज नॉट हैव टू पे दिस पर्टिकुलर लाइबिलिटी, इट इज नॉट लाइबल टू पे दिस टैक्स ऑन दीज ट्रांजेक्शंस. एंड वोडाफोन वन दिस केस एंड इट नीड नॉट हैड टू पे दैट 11,000 करोड़ टैक्स लाइबिलिटी. छोटी मोटी चीज नहीं है ये, 11,000 करोड़, और अगर पेनल्टी लगती तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट अलग वोडाफोन को देना होता, आप सोचो. तो बेसिकली ये पूरा गेम जो है सिर्फ इंटरप्रिटेशन का गेम है. और ऐसे केसेस आते हैं और फिर हमारे ऑनरेबल जजेस उनमें उनका जजमेंट सुनाते हैं. तो ये जो जजमेंट्स होते हैं ना, दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आर लॉ. कल जाके अगर आपकी खुद की टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी हो जाती है, इसे जैसे रिलायंस का आ गया जियो, अब रिलायंस को भी पता है कि ऐसा कुछ केस वोडाफोन का हुआ था, तो उनके लिए भी वही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. और ऐसे सेल्स के वक्त उनकी कोई इनकम कैलकुलेट नहीं होगी और इस इनकम पे उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है. इवन अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज विल फॉलो द सेम थिंग. सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर लॉ. ये एक्ट में नहीं दिया, ये एक्ट में दिया है क्या? ये तो सिचुएशन अराइज हुई, कोर्ट में गए और फिर जजेस ने अपना डिसीजन दिया और हम कहेंगे कि इस चीज को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है. सही या गलत? दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर लॉ. कानून की दुनिया में ये केस लॉज भी मायने रखते हैं. फाउंडेशन में तो आप लोगों ने बहुत सारे केस लॉज देखे होंगे, चिनैया वर्सेस रमैया, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, फिर गौरी दत्त लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त कंपनी एक्ट में भी आपने देखा था, सैलमेन वर्सेस सैलमेन एंड कंपनी लिमिटेड. तो ये सब एक्ट में थोड़ी ना लिखा था, कानून बनाने वाले 1956 वाले चले गए. आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1890s की भी बात नहीं है, 1872, मतलब अभी कुछ दिन बाद ही, अभी क्या है 23 अगस्त ना, 1 सितंबर को 150 साल पूरे हो रहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, हाँ ना, 1 सितंबर 1872 को ये कानून बनाया गया था. नाउ इन 7 टू 8 डेज 1 सितंबर आने वाला है 2022, 150 ईयर्स हो जाएंगे उस एक्ट को बना के. कानून बनाने वाले बना के चले भी गए. अब हम उनसे थोड़ी ना पूछेंगे कि आपका क्या इंटेंशन था उसके पीछे. अब हमारे जजेस जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर एक्ट क्यों बनाया गया उसका ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए वो डिसीजन लेंगे. इसीलिए पहले मैंने आपको बताया कि क्यों ये कानून बना है, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. और ये केस लॉज ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आर लॉ. तो हम लोग बहुत सारे केस लॉज भी पढ़ने वाले हैं इन दिस प्रोसेस, बहुत सारे केस लॉज. तो देखो, हम पढ़ेंगे एक्ट, एक्ट के साथ साथ हम पढ़ेंगे रूल्स, रूल्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे केस लॉज. फिर वहां पे डेफिनेशन खत्म नहीं होती, ये इंटर है, बहुत कुछ आगे हम लोग सीखने वाले हैं. साथ साथ में हो सकते हैं माई डियर फ्रेंड्स कुछ ऑर्डिनेंसेस. वॉट इज एन ऑर्डिनेंस? कम समय में कोई एक्ट बनाना है, कम समय में अगर कोई एक्ट बनाना है, इट इज द डिमांड ऑफ द टाइम. जैसे वो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे ताज में, हमको टेररिज्म के लिए लॉ बनाना जरूरी हो गया था और लॉ ऐसे रूप में बनाए गए, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा, तो मतलब भाई सदियों सदियों लग जाएंगे. और ये लोग सब मुजरिम जिनको पकड़ा था वो लोग तो भाग के निकल जाएंगे. इंस्टेंट मैनर में हमें कानून को बनाना जरूरी है एंड वी कैन नॉट वेट फॉर द पार्लियामेंट टू बी इन सेशन. क्या करेंगे? कंसर्न्ड लोग ड्राफ्ट बनाएंगे, डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे, डायरेक्टली. मतलब ये जो अभी मैंने प्रोसेस बताया था ना, ड्राफ्ट फिर लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं करेंगे हम. क्या करेंगे? ड्राफ्ट के बाद डायरेक्टली प्रेसिडेंट, और बन जाएगा ऑर्डिनेंस. उसको मैं आज एक्ट नहीं कह सकती,
क्योंकि एक्ट बनने के लिए और एक चीज की जरूरत है एंड दैट इज अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. करंटली आई हैव नॉट टेकन द अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. मैं डायरेक्टली ड्राफ्ट लेके चली गई टू द प्रेसिडेंट और जैसे ही प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला वो बन जाता है ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ एन एक्ट. ऑर्डिनेंस हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ एन एक्ट बट सिर्फ एक डिफरेंस है. जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा 6 हफ्तों के अंदर वी हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट. तो थोड़ा सा तेरा मेरा रास्ता है, ऐसे ना जाते हुए ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे वैसे कैसे कुछ समझ में आया. ऐसे 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 ना जाते हुए यहां से डायरेक्टली इधर एंड वंस द पार्लियामेंट्स आर इन सेशन विद इन 6 वीक्स मतलब हफ्ते में हम क्या कर लेंगे पार्लियामेंट में ये सारे अप्रूवल्स ले लेंगे एंड देन इट विल बिकम एन ऑफिशियल एक्ट. टिल दैट टाइम इट इज नोन एज एन ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस ऑल्सो हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ एन एक्ट एंड दैट इज वाई इट कम्स अंडर द ब्रॉड वर्ड एंड दैट इज लॉ. तो देखो एक्ट एक्ट क्या होता है बताओ तो, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. एक्ट के साथ साथ हम क्या देखने वाले रूल्स, दे आर मेड एंड अमेंडेड बाय द रूलिंग पार्टी द सीजी. ओके उनको बनाना और अमेंड करना इजी होता है या डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू एन एक्ट. केस लॉज तो आप लोग जानते हो. ऑर्डिनेंसेज आर बेसिकली दोज एक्ट्स विच आर पास्ड बाय द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, क्योंकि हमें इमीडिएट बेसिस पे कोई प्रोविजन लाना जरूरी है. वंस द पार्लियामेंट कम्स इनटू सेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स वी विल गेट इट अप्रूव्ड. अब लास्ट रेगुलेशन और बायलॉज क्या होते हैं. बेसिकली रेगुलेशंस जो होते हैं ना वो रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश करती है. कुछ कुछ चीजें होती है जो बहुत टेक्निकल होती है. ओके तो उसके लिए हम रेगुलेटरी बॉडीज बनाते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज की बातें बहुत टेक्निकल होती है, हर कोई बंदा इसको नहीं समझता है. तो हमने क्या किया, एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी सेबी. हमने एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी सेबी और सेबी फिर अब ये सारी चीजें गवर्न करता है. तो सेबी ने इसी चीज को गवर्न करने के लिए बनाया है रेगुलेशंस. एक सिंपल एग्जांपल देती हूं, फॉरगेट अबाउट सेबी ऑल दैट, दैट इज इन सीए फाइनल. आईसीएआई बना है थ्रू एन एक्ट, द आईसीएआई एक्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट. ओके आईसीएआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी. अब आईसीएआई के लोग है जो ये टेक्निकल चीजें समझते हैं. एग्जामिनेशन एक बार होगी, दो बार होगी, चार बार होगी, कितने मार्क्स के पेपर होंगे, एमसीक्यू होगा नहीं होगा, कौन सा पेपर सब्जेक्टिव रहेगा कौन सा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना रिजल्ट निकलना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या सिलेबस निकलना है. अरे वो मोदी जी थोड़ी ना समझते है, समझेगे क्या वो बात. अरे टेक्निकल चीज है यार ये, वो नहीं समझेगे. वो समझेगे हमारे जैसे और आपके जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इस प्रोसेस के थ्रू गए हैं या जाने वाले हैं. सो बेसिकली आईसीएआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी. आईसीएआई कैसे चलेगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे कैसे, काउंसिल मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, कौन सी कमिटीज जैसे विकासा सिकासा, उस कमिटी में कितने लोग रहेंगे, उनका क्या काम रहेगा, ये सारी चीजें रेगुलेशंस के थ्रू बनती हैं. और आपस में भी कैसे काम करना है उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं. आपस में कैसे काम किया जाता है उसके लिए होते हैं बायलॉस, उसके लिए होते हैं बायलॉस. सो दिस इज वेरी एकदम लिमिटेड स्कोप, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी से ही कन्फाइंड होते हैं रेगुलेशंस और उनके आपस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको कहते हैं बायलॉस. कि इंटरनली इनका कैसे काम चलेगा उसके लिए बनाए जाते हैं बायलॉज, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ब्रॉड वर्ड लॉ. तो जब आप सीए एक्ट देखते हो इट्स एन एक्ट फाइनली, फिर उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने बीच के अंदर के रेगुलेशंस और बायलॉज बनाते हैं. सब कुछ पार्ट एंड पार्सल होता है ऑफ द ब्रॉड वर्ड दैट इज लॉ. वैसे तो खैर आपको कोई भी रेगुलेशंस और बायलॉज है नहीं, क्योंकि आप लोग सब जो
5 acts है ना आपके सिलेबस में, ऑल दीज 5 acts आर एक्चुअल acts passed under the पार्लियामेंट. और सेबी जो है, सेबी इज अ पार्ट ऑफ सीए फाइनल लॉ, तो सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस और बायलॉज जो है वो आप करने वाले हो सीए फाइनल में. इंटर में आप लोगों को रेगुलेशंस और बायलॉज नहीं है, आपको सिर्फ, मैंने आपको बताया ना कॉर्पोरेट लॉ में आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट ही है, आपको सेबी के रेगुलेशंस नहीं है. सिकरा भी नहीं है, सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट, वो भी सीए फाइनल में है. कॉर्पोरेट लॉ में यू हैव ओनली वन एक्ट विच इज द कंपनीज एक्ट 2013. तो बताओ चलो, लॉ ब्रॉडर है या एक्ट ब्रॉडर है? लॉ में कौन सी सारी चीजें आती है बोलो? एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज प्लस रेगुलेशंस प्लस बायलॉज प्लस ऑर्डिनेंसेस. एक्ट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश बोलो. सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉज. हाँ या ना? हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ या एक्ट? तो क्या मैं आपको एक्ट बताने वाली हूं? अरे हाँ या ना? क्या मैं आपको केस लॉज भी बताने वाली हूं? क्या हम रूल्स भी देखने वाले हैं? एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द लेक्चर्स. यस नो गाइज, अभी बस इतना लिख लो और आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है? टुडेज सेशन वॉज द मोस्ट टेक्निकल सेशन, आज और हो सकता है कल. तो सबसे कम मजा फर्स्ट और सेकेंड सेशन में आता है, और अगर आज आपको मजा आया है तो आगे तो जन्नत है. वो आजकल क्या ट्रेंडिंग गाना है, हाँ कुंडी लगा दो. अच्छा क्या करोगे, सुनो ना मेरी बात, मैं कुछ चीजें डिक्टेट करना चाहती हूँ, ठीक है? आप लोगों के पास नोटबुक्स है ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, और अगर नहीं है तो मैं चाहती हूँ आप कल तक कुछ स्टेशनरी लेके आ जाओ, आपकी नोटबुक, स्टिकी नोट्स. स्टिकी नोट्स किसी के पास है अभी? बताओ ना मुझे, मेरे को बताना है वर्चुअल बच्चों को भी. वो वाले साइज के भी बताओ, ये वाले. देखो अलग अलग साइजेस के मैं स्टिकी नोट्स चाहती हूँ, एक तो ये वाली साइज की स्टिकी नोट्स, ठीक है, जिसमें हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिखेंगे. कुछ बड़ा एग्जाम्पल या प्रोविजन लिखना हो और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना हो, सो आई वॉन्ट दिस साइज का स्टिकी नोट ऑल्सो. तो हम लोग बहुत सारे स्टिक नोट्स पे एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं और वहीं पे टेक्स्ट बुक पे हम लोग चिपकाने वाले हैं. ओके, सो आई नीड अ नोटबुक, सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ, फॉर क्लास वर्क एंड होमवर्क. एक ही बुक रहा तो भी चलेगा, आई डोंट वॉन्ट यू टू मेंटेन सेपरेट सेपरेट बुक्स, क्लास वर्क की अलग होमवर्क की अलग, एक ही बुक में सब कुछ रहेगा. एंड सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट इन स्टेशनरी इज दिस, इफ पॉसिबल अगर आपने पेन्स अपने लिए नहीं खरीदी है, आई वुड रेकमेंड, फाइनली इज योर चॉइस, दैट प्लीज स्टार्ट यूजिंग अ ब्लैक बॉल पेन, क्योंकि फाइनली आपका जो पेपर है आपको ब्लैक बॉल पेन में लिखना है. डे वन से अगर आप हैबिचुएटेड रहोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा ऑन द फाइनल डे. ये छोटी छोटी चीजें है बट बहुत मायने रखती है. मैं ये उम्मीद नहीं कर रही हूँ यू आर यूजिंग सम पाकर पेन और सम यू नो पायलट पेन, सम फैंसी पेन जो 100, 200, 500 रुपए की, ऐसे मेरे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है. You can also have a normal Reynolds का black ball pen, चलेगा, not an issue. But whatever pen you are comfortable with, if possible, start using that pen from day one till this throughout journey of the classes and your preparatory leave. It really gives you a hang on that particular pen, and every second counts. Believe me, आपके ही कुछ दोस्त है जो clear नहीं हुए हैं, और उसमें से कुछ दोस्त है जो एक एक दो दो marks के वजह से clear नहीं हुए हैं. We don't want to be those category of kids. हर एक छोटी चीज के बारे में मैं आपको गाइड करने वाली हूं. How much you want to take from me is up to you. मेरा as a teacher moral responsibility है गाइड करना. I will be keeping on telling you these small small things. If you follow it, well and good. If not, institute है जो कहेगा after every May there is a November. May के attempt के लिए मैम की बातें नहीं सुनी, November के लिए जरूर सुन के आना. Okay? तो आप लोग पहले तो क्या लिखो, सुनो ना, ऐसा लिखो, ये लिखो, लॉ इज इक्वल टू, लिखो, इतना लिख लिया, एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज प्लस रेगुलेशंस प्लस बायलॉज प्लस ऑर्डिनेंसेस लिख लिया. थैंक यू, लिख लिया क्या? अब नीचे एक एक करके सबका एक्सप्लेनेशन में एक एक सेंटेंस में डिक्टेट करू. एक्ट, एक्ट के लिए ये आप लिख सकते हो, सबसे पहले लिखो आप, एक्ट इज इक्वल टू, आई जस्ट ओपन दैट पीपीटी,
एक्ट इज इक्वल टू ये रहा, ये लिख लो, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी लिखना है, आपके अटेम्प्ट की कसम है. सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज, इतना लिख लिया. अभी आप नेक्स्ट हेडिंग दो, हाउ इज एन एक्ट मेड. हाउ इज एन एक्ट मेड. और ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको लिख दो, हाउ इज एन एक्ट मेड. ओके, डन. अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट. रूल्स, उसके लिए लिखो, रूल्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Rules are made and amended by the central government. Rules are made and amended by the central government, which have to be read with the act. Which have to be read with the act. नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस के लिए लिखो, ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस का स्पेलिंग है ओ आर डी आई एन ए एन सी ई. लिखो ना, ऑर्डिनेंस लिख दिया क्या? हाँ लिखो, एन ऑर्डिनेंस इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया President of India, when there is an urgent requirement, when there is an urgent requirement of making a law, it has the same effects. It has the same effects of an act. It has the same effects of an act. और एक last sentence लिखो ordinance में. Once the parliament is in session, once the parliament is in session, once the parliament is in session, it has to be passed within 6 weeks. It has to be passed within 6 weeks. Next,
रेगुलेशंस, बस रेगुलेशंस और बायलॉज हो गया. रेगुलेशंस के लिए लिखो लॉ पास्ड बाय अ रेगुलेटरी बॉडी. लॉ पास्ड बाय अ रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट. एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट. तो जैसे सेबी एक्ट बनी है ना, और सेबी एक्ट के तहत सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेशंस बनाती है. और एक लास्ट पॉइंट लिख लो बायलॉज. रेगुलेटरी बॉडी मेक लॉज टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स. टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स. जैसे इंस्टीट्यूट अपने आप में डिसाइड करेगा कब अटेम्प्ट्स रखने हैं, कितने मार्क्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट रहना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट निकालना चाहिए, उसका भी एक प्रोसेस होता है ना. तो आपस में अपने आप कैसे वो गवर्न करेगा, उसके लिए उनके क्या होते हैं बायलॉज. एक बार आखिरी बार मुझे बता दो फिर छोड़ देती हूं. एक्ट ब्रॉडर है या लॉ ब्रॉडर है? एक्ट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब. लॉ में क्या एक्ट आता है? क्या रूल्स भी आते हैं? क्या केस लॉज भी आते हैं? क्या रेगुलेशंस और बायलॉज भी आते हैं? क्या ऑर्डिनेंसेस भी आते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ या एक्ट? हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है. फर्स्ट कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा अदर. कल से हम किसकी शुरुआत करने वाले हैं? कॉर्पोरेट लॉ की, जिसमें एक ही एक्ट है जिसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2003. आज के लिए इतना ही, धन्यवाद. कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय. बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स. प्लीज गेट अ नोटबुक फॉर टुमारो. Right now is your lunch break? Okay. So you all can go for a lunch break and then is accounts class, right? कोई भी शक या सवाल है आप आ सकते हो मेरे पास. बताती हूँ मैं. अकाउंट्स का लेक्चर कितने बजे? हाँ 2:15. 45 मिनट्स का लंच ब्रेक है. गुरुकुल के बच्चों का लंच का एक बार मैं कोऑर्डिनेट करके बताती हूँ. हेलो